हाँ जी, सभी को नमस्कार। हाँ जरूरी है, ये हो जाता है, मोबाइल ले रखा हो छूट जाता है। हाँ ध्यान चला जाता है कि चलो अब आगे चले। हाँ जी चलिए, तो एक काम करते हैं, मैं रुकता हूँ 10 मिनट। 10 मिनट में लिख डालिए इस पूरी चर्चा से क्या समझ में आया, क्या चीज़ें खुली, क्या कन्फ्यूज़न है, कहाँ कुछ सुना लेकिन समझ में नहीं आया, मेरे कहने से कोई कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट हो रहा है। हेलो, हेलो, हाँ बोलो। मैं सबका ख्याल करता हूँ। मेरा ले भाई पकड़ भाई जरा। नाम है, मुझे सब घर में बोलते हैं मानू, और मुझे सब बोल स्कूल में बोलते हैं राजू राठौर। मुझे पसंद है मम्मी पापा, और मुझे मम्मी पापा बहुत ख्याल करते हैं, और मुझे अच्छे से पढ़ाते हैं, और मुझे पापा स्कूल अच्छे से भेजते हैं। ऐसा बोलने के लिए किसने बोला? मैंने मन से बोला था। मन से बोला था। तुम हमारा भी ख्याल रखते हो, है? हाँ रखता हूँ मैं। तो हम लोग शिविर चला लें? हाँ चला सकते हो आप। चला सकते हाँ हैं? तो तब चलाएंगे ना जब तुम लोग शोर नहीं मचाओगे। तो तुम लोग पीछे जाके खेलना शुरू कर दो, गद्दा ठीक पीछे है। लगा लो, तो हम हाँ लोग शिविर चला लें थोड़ी देर। ठीक थैंक है, यू, दोनों बहुत वेलकम। अच्छे। हाँ ठीक है, जाओ भैया को भी ले जाओ। जाओ जाओ पीछे गद्दा ले जाओ, तकिया भी ले जाओ। हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, अपना ही है सब, ले जाओ। हाँ जी लिख डालिए। तो लगभग पूरा कैनवस खुल गया है। क्या खुल गया? जहाज खुल गया है। वो चर्चा हुई थी ना कि जहाज कहाँ जा रहा है, तो जहाज पूरा खुल गया है। बस 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 हो गया बेटा, हो गया। आगे भी कुछ रहने दो, हम लोग भी बैठेंगे ना। चलो बस बस ले जाओ ले जाओ। तो लगभग अब जो समझ वाला पार्ट है, एक तरह से वो काफी सारा, जैसे हमने चर्चा किया था ना, संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, तो क्या खुल गया अभी? संसार क्या है, ये खुल गया। संसार क्या है? अस्तित्व, सअस्तित्व है, तो ये खुल गया। और उसमें जो कुछ भी चल रहा है वो हमारे सामने आ गया। और फाइनली मैं क्या हूँ, ये कल और खुल जाएगा। करना क्या है, उसके बाद वो आगे धीरे धीरे निकल आएगा। तो संसार क्या है, मैं क्या हूँ, करना क्या है, तो जो कुछ भी आज सामने आया है उसको लेके क्या क्लैरिटी बनी, और मेरे कहने से कोई कन्फ्यूज़न, क्योंकि पहली बार जब बात करते हैं तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, मैं कुछ और कह रहा हूँ आप कुछ और समझ रहे हैं, ऐसा भी होने की संभावना रहती ही है। कोई कन्फ्लिक्ट आपके मन में भारी आ रहा है तो उसको भी चर्चा कर देंगे। कोई क्लैरिटी बनी है उसको नोट कर लो, क्या क्लैरिटी बनी धीरे से। और फिर से ये बोल देता हूँ, देखो परिचय शिविर में इतना कंटेंट आता है कि एक बार में उसको सारे को सुन पाना संभव नहीं होता है, ये हमको भी पता है। लेकिन किसको क्या क्लिक करेगा ये हमको नहीं पता है। ऐसे मॉल में जाते हैं ना, सारा आदमी सारी दुकान घूम के देख लेता है, तो ये मॉल था, एक बार आपने सारा घूम के देख लिया, लेकिन घूम के ये समझ में आ गया कि सारी चीज़ें अपने काम की हैं। तो हर आदमी की अपनी एक जर्नी है, उसकी जर्नी के हिसाब से उसको क्या क्लिक करेगा, किस पॉइंट पे वो खुश होगा, किस पॉइंट के ऊपर उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा,
वो सबके लिए अलग अलग है। तो शिविर परिचय शिविर करने के बाद कम से कम 3 से 5 बार अपने परिवार या मित्रों के साथ में YouTube पे शांति से चला के उसको 1 घंटा देखा जाए, आपस में चर्चा किया जाए, क्या क्वेश्चन निकल के आ रहे, क्या क्लैरिटी बन रही है। इसका बहुत पॉजिटिव पार्ट ये है कि जितना ग्रुप में बैठ के चर्चा करेंगे, जितनी डायमेंशन से क्वेश्चन आएंगे और जितना लोग आपस में उसको शेयर करेंगे, उतना हमको ज़्यादा क्लैरिटी बनती है। जब मैं अपने में सुनता हूँ तो मैं कुछ मान लेता हूँ, लेकिन जब हम 2 4 लोग साथ बैठ के बात कर रहे हैं तो उसमें फिर बहुत सारे डायमेंशन खुलते हैं। तो ये साथ मिलके चलने का प्रोग्राम है, जिन फैमिलीज़ में पूरी फैमिली साथ मिलके चल रही है वहाँ काफ़ी आराम आ जाता है, फैमिली हो मित्र हो जैसा भी आपकी सेटिंग बनती हो। और आने वाले हर 2 3 महीने में, 3 4 महीने, 2 3 4 महीने में एक शिविर रिपीट होता रहे, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपकी अनुकूलता बनती है। अब इस जर्नी को बनाए रखना और लगातार अपने आप को अपग्रेड करते जाना, ये हमारी ज़रूरत है। बीच में आपने गैप दे दिया, फिर वो गाड़ी दोबारा चढ़ाना फिर मुश्किल होता है। चलिए लिख डालिए, क्या समझ में आया इस पूरी चर्चा से, क्या समझ में आया? और अब कितने क्वेश्चन आपके मन में और उठते हैं उनकी भी लिस्ट अलग से बनाइए। कहीं से भी उठता है कोई भी क्वेश्चन, उसकी लिस्ट भी साथ साथ बनाएं। क्या उपलब्धि हुई, क्या क्वेश्चन? नहीं, बने रहने दो। हाँ, आज का सेशन या 5 दिन में भी जो कुछ किया, एक उसको समराइज जितना ध्यान आता है कर दीजिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके क्वेश्चंस क्या हैं, क्लैरिटी क्या है, कंफ्यूजन क्या है, एक बार उसको ऑडिट कर लीजिए। हाँ जी, हो गया? कितने लोग अभी और लिखना चाहते हैं, हाथ उठाएं, लिखना चाहते हैं? चलिए सुनाइए, पहले क्या सुनाएंगे, उपलब्धि सुनाएंगे? पहले उपलब्धि क्या हुई कि शंका क्या है? उपलब्धि सुनाएंगे कि शंका सुनाएंगे? पहले खुशी की बात, चलो पहले उपलब्धि शेयर करते। ये सारा सुनने से क्या उपलब्धि हुई, क्या मिला? माइक, हाँ जी। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि पूरा लाइफ का ज्ञान एक बोर्ड पे है, और वो भी ऐसे बहुत डेंसली पॉपुलेटेड बोर्ड भी नहीं है, काफी खालिस्तान काफी। खालिस्तान काफी है, और दिस इज ऑल देर इज, लाइक इसके बियॉन्ड क्या है कुछ ढूंढना नहीं, तो लाइक इतना ही समझना है इन सबको। और जो पार्ट एक लाल में एक डब्बा जो गोला बाकी है उस पे काम करना, और उसमें क्या क्रम रहेंगे उस पे सोच है, बट है तो इतना ही। हाँ देखो, मामला लंबा चौड़ा नहीं है, इंटेंसिवली थोड़ा अपना समय लगाने की और इंटेंसिवली लगने की जरूरत है ना? तो बहुत जल्दी वो अधिकार आ जाएगा, बहुत जल्दी वो जगह बन जाएगी कि जहाँ थोड़ा सा अपने को लगे कि हाँ यार अब गाड़ी चल गई। बोलिए बोलिए। संक्षेप में ही बोलूंगा, जीवन की रियलिटी से परिचय हुआ, आज तक अपनों अपने लिए जिया, अब घर परिवार में ज्यादा वक्त गुजारने की प्रेरणा मिली, ईश्वर की सही परिभाषा का आज परिचय हुआ, जो कि मुझ में है, आप में है, सब में है। अपने आप को जान लिया तो सबको जान लिया। अब तक मेरी
अच्छा करने की अब तक मेरी अच्छा करने की अच्छा कर रहा था, अब बहुत अच्छा करने की का दरवाजा खुल गया है। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। ओके अब जाके मानसिक तृप्ति का रास्ता दिखाई देना शुरू हो गया है। अगले शिविर की उत्सुकता से इंतजार रहेगा। लेट मी बी द बेस्ट। कोटि कोटि धन्यवाद। बढ़िया। हाँ जी बोले बोले, पीछे माइक। सार के रूप में इतना हम कहेंगे कि जिसको हम आज तक खाली स्थान मानते थे, वो खाली स्थान के अंदर में ही ऊर्जा भरा हुआ है। वही ऊर्जा से ऊर्जित होकर हम चमत्कार कर सकते हैं। मानव का जो पोटेंशियल है उसका सही आइडेंटिफिकेशन और एक्सप्लोर न होने के कारण हम लोग जहाँ का तहाँ सीमित रह जाते हैं, और चार विषय पांच संवेदनाओं के अंदर में हम डूबे रहने के कारण हमारा पूरा पोटेंशियल मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। अभी हमें समझ में यह आया कि यही जो खाली स्थान है वो एक्चुअली सारे ऊर्जाओं का आधार है, जड़ है, ओरिजिन है। और ये समझ अगर हमें आ जाती है, पूरा अस्तित्व का जो परिप्रकाश है, डिजाइन है प्रकृति का, ये अगर हमें समझ में आ जाती है तो प्रकृति की जो ब्यूटीफुल ऑर्केस्ट्रा की तरह चलती है, हर इकाई अपनी एक धुन में अपनी कार्य करते रहते हैं। देयर इज ए ब्यूटीफुल हारमोनी अमंग ऑल द एंटिटीज, ऑल द यूनिट्स इन द स्पेस। सिर्फ हमारी स्थिति हमें ऐसे लगता है कि पूरे सिम्फोनी के अंदर में हमने कहीं हाथ लगा दिया तो एक की करके आवाज आ रही है। देयर इज सम अबनॉर्मल साउंड, जिसको हम लोग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या स्टडी रिसर्च के रूप में कहते तो हैं, लेकिन अंदर से जब सोचते हैं तो हमारा मन नहीं मानता। जिसको हम डेवलपमेंट सही में कहते हैं, वो वास्तव में डेवलपमेंट है नहीं, रादर हम और नीचे की ओर जा रहे हैं इन आवर इग्नोरेंस। तो अभी आवश्यकता इस चीज़ की है कि ये प्रकृति की जो ब्यूटीफुल सिम्फनी है, ऑर्केस्ट्रा है, उसमें हम भी अपने को शामिल कर लें। उस धुन के साथ में प्रकृति के नियम अनुरूप अगर हम जीवन जीना शुरू कर दें तो फिर प्रगति ही प्रगति है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, और वही मानव जीवन का सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। थैंक यू। बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, पीछे माइक। माइक हेलो। मुझे ये सत्र से, अभी जो इसके पहले हुआ उससे काफ़ी प्रेरणा मिली है। पहली बात तो ये कि बहुत सारा काम जो ब्लू में जो है वो हो चुका है, बहुत कम बचा है, तो एक बहुत अच्छा एक उत्साह भी हो रहा है कि इट विल डेफिनेटली हैपन एंड इट विल हैपन वेरी क्विकली। जितना हम अभी सोच रहे हैं उससे बहुत जल्दी भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि जैसे सब कुछ नेचर ने प्रोवाइड किया हुआ है, पदार्थ, प्राण, जीव, सब प्रोवाइडेड है, ऊर्जा भी है, तो अभी देरी सिर्फ एक पर्सपेक्टिव चेंज की है, तो बहुत जल्दी हो जाए। बढ़िया। हाँ जी, पूरा बताना चाहूँगा मैं आज का। ऐसे मूल ऊर्जा की अभिव्यक्ति जड़ संसार में नियम है, और जीव संसार में मूल ऊर्जा की जीव संसार में अभिव्यक्ति कल्पनाशीलता है। जीव को कल्पनाशीलता से अस्तित्व को समझना है, यानी नियम को समझना है, उसको प्रैक्टिस करे तो निरंतरता का विश्वास हो जाता है। फिर कल सुबह उठ के बाद में हिंदी में कैसे बोलूँ, गाड़ी कैसे चलाऊँ या खाना कैसे पकाऊँ, इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। यही भाव की स्वीकृति है, भाव की स्वीकृति है, यही भाव है। स्वीकृति बराबर सुख और सुख बराबर समाधान, इसका एक इसलिए कि मानव को पूर्णता को व्यक्त करने की तड़प है, और मानव कल्पनाशीलता से ही नियम को समझकर सुखी होता है। फिर नियम क्या है ये सवाल आएगा। तो तीन वास्तविकताएं, तीन क्रियाएं,
और चार अवस्थाएं यही नियम है और इस नियम को समझे तो समृद्धि है यानी ईश्वर, और कनकन में ईश्वर है और ईश्वर में कनकन है। जी बढ़िया। नमस्ते भैया, कहाँ हो? हाँ जी जी, आज मैं आपको प्रामाणिक रूप से बताती हूँ कि आज मैंने पेन और कागज कुछ लिया ही नहीं है, आपने लिखो बहुत अच्छा काम किया। आपने अभी जो उस जो बोर्ड पे लिखा है वो थोड़ा समराइज जो मुझे समझा वो समझ ऐसा बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये खाली स्थान के लिए नीचे जो भी कुछ लिखा है वो असीम अखंड वगैरह जो भी आपने समझाया वो मुझे हमारे ईश्वर के प्रीफिक्स मतलब विशेषण है ऐसा मैं समझती हूँ, और उसी तरीके से आपने समझाया है जो तार्किक और लॉजिक तरीके से चलने वाले लोगों की जो एक ऐसे ऐसे चलने वाले जो लोग हैं उनके लिए ये ईश्वर जो है या चैतन्य जो है वो मुझे लगता है इस ये दर्शन के इस चैप्टर से बहुत अच्छे से समझ में आया। और इसमें जो लास्ट लाइन जो है बोर्ड की, पदार्थ प्राण जीव ये सब जो है ये मेरे मैं और मेरी चेतना मेरे आसपास के मेरे सब संबंध जिसको हम हमारे साइंस में सजीव निर्जीव वगैरह बोला करते थे, अभी तो वो और भी आगे चल गए आपके बताते हुए सब कुछ चीज़ें, तो ये सब ऊर्जा का मैनिफेस्टेशन है ऐसा पता चला, और ऊर्जा मतलब ईश्वर है ये पता चला। तो ये जो हमारी मान्यता है कि सभी में ईश्वर है ये सब क्या हो गया कि प्रमाणित हो गई आज के सुनने से। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा अनुभव ऐसा है कि मैं बेसिकली एक डिज़ाइनर हूँ आर्टिस्ट, तो मैं फोटोग्राफी भी करता हूँ, अभी नहीं करता हूँ, लेकिन ये जब से शिविर अटेंड किया है तो एक दिमाग में एक तस्वीर थी, यानी जिंदगी में फ़ोटो खींच रहा था मैं, वो फ्रेम में कुछ दिख नहीं रहा था, यानी ब्लर हो रही थी इमेज कुछ ऐसे संसार की चीज़ों से बोलो या बाकी की चीज़ों से, तो आज वो इमेज मेरी क्लियर हो गई। पिक्चर अभी वो ईश्वर का अस्तित्व वो पिक्चर में दिख रहा है, और अभी मुझे यकीन हो गया मेरे ऊपर कि मैं ज़िंदगी की तस्वीर निकाल लूँगा अच्छे से, और वो जो बनेगी तो आपको बिल्कुल बता दूँगा वो तस्वीर निकालूँगा। बार हेलो सर, मैं मुझे आज जो समझ आया कि हम बहुत दिनों से मैं जो शब्द कह रहे थे उसको मैं शब्द को आज हम उसको एनर्जी लेवल पे जोड़ पाए, उसको मूल ऊर्जा से कनेक्ट कर पाए, सही बोल मतलब जो मैं समझ पाई कि मतलब हम शरीर के बियॉन्ड एक मैं है उसको किस तरीके से हम यूनिवर्सल एनर्जी या फिर मूल ऊर्जा की तरफ ले पाए, और हम ये समझ पाए कि जो मूल ऊर्जा मेरे अंदर है वही सामने वाले के भी अंदर है, और जो हमारे भाव और विचार में जो डिफरेंस है यदि मैं उस मूल ऊर्जा का जो डिफरेंस है सामने वाले इंसान में मेरे मुझे जो जो आपने एक डायग्राम बनाया था पेन और फिर जीवन और फिर कल्पनाशीलता भाव और मूल ऊर्जा वो सब ऑलमोस्ट एक ही पैरामीटर्स पे आते हैं, तो हमें कल्पनाशीलता जो है वो मतलब इंसान की एक अच्छी चीज़ है लेकिन वो गलत चली गई है, तो हमें उसको यदि हम भाव के रूप में उसको स्वीकार करते हैं उसको सही दिशा में लेके जाते हैं तो मैं को हम एक अलग ऊंचाई पे ले सकते हैं। जी बढ़िया। नमस्ते भैया। नमस्कार भैया, आज एक अलग अनुभूति हुई है। मैं वैसे भी सभा को बताना चाहूँगा कि मैं पिछले एक साल से दर्शन से जुड़ा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से और अध्ययन के भी माध्यम से। आपका नागपुर से है ना? मैं रविकांत गौतमी, अभी नागपुर का रहने वाला हूँ लेकिन फिलहाल गढ़चिरौली में हूँ, गढ़चिरौली जिला जो यहाँ गढ़चिरौली जी, फिलहाल रहता नागपुर में हूँ, काम वहाँ पर करता हूँ। तो भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक अलग चीज़ मुझे जो इतने सारे अध्ययन के बाद में यहाँ पर अनुभूति हुई है कि जो सत्ता यानी जो मूल ऊर्जा जो है, तो मूल ऊर्जा की जो भी प्रॉपर्टीज़ है जो भी सारी जो चीज़ है वो जब मूल ऊर्जा जब चैतन्य सत्ता पे सहसित्व में आती है और जब मैं आता हूँ यहाँ पे
तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है वो मेरे पास में भी है। तो मेरी जो चाहना है वो चाहना यही है जो मूल ऊर्जा जहाँ पे जो दिखती है, और जो मेरी कल्पनाशीलता में जो भी बातें मैं यहाँ पे मतलब विचार करता हूँ वो सारी की सारी यहाँ पे है। तो मुझे लगता है कि संसार और मैं उसमें कोई अंतर नहीं है। बहुत बढ़िया। और एक और चीज़ समझ में आती है कि जैसे अभी अगर मैं हूँ तो एक समझ में आता है कि मैं शरीर भी हूँ, मैं मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर चलाता हूँ। हाँ नहीं मतलब शरीर, चूँकि जीवन जो है शरीर, ये जो जीवन मतलब सॉरी मानव जो है वो शरीर जीवन से कनेक्टेड है, और जीवन जो है ये मूल ऊर्जा और चेतन से मिला हुआ है। तो फिर एक करना क्या है समझ में आता है कि ये जो सारी चीज़ें इसको पाना ही मेरी मतलब सारी कोशिश यहाँ पे होनी चाहिए। तो एक शब्द आता है कि इससे साथ तदाकार हो जाना, तो ये चीज़ मुझे समझ में आई। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर जी। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति है ऐसा सुना है। अब इसको थोड़ा सा क्या ठीक करेंगे सर, मनुष्य शंका शेयर कर रहा हूँ मैं आपको, नहीं कुछ बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इसको बाप ने बोला ही है तो इसको ठीक कर लेते हैं। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है कि मनुष्य ईश्वर में सर्वश्रेष्ठ कृति? यस, मनुष्य ईश्वर में सर्व, ऐसा कुछ कुछ करेक्शन होते जाएगा जी। बोलिए बोलिए सर। मेरा एक शंका है कि ये जो इंडियन ह्यूमन लाइफ है, ये जो इंडियन ह्यूमन लाइफ, इंडियन ह्यूमन एवरेज 80 इयर्स के तक, 80 इयर्स मिनिमम मान लेते हैं चलो, है ना, 80 साल अच्छा, या जो भी जितना मानना चाहे। हाँ, कोई बात। तो 80 साल में तो 40 साल तो रातें होती है, 40 साल तो रातें होती है ना। श्योर एग्रीड है सभी? हाँ हाँ, 40 गए, 40 गए, 10 साल बड़े बनने में और कैरियर में लग गया, 30 बचे, 30 बजे, 30 में 10 साल बच्चे पानी पालने में लग गए, 10 बजे 10 साल झगड़ा करने में, नहाने धोने में चले गए, निपट 10 साल बचे सर जी। एक साल कितने दिन का? 365। कितने दिन हो गए टोटल 10 साल में? 3650 दिन। 3650 दिन के लिए इतना तामझाम, इतना समझाना, ज्ञान, ये सब, इतनी छोटी सी बात समझने के लिए इतना, फिर सर्वश्रेष्ठ कलाकृति कैसी हो गया इंसान? इतनी छोटी सी बात को समझने के लिए इतना टाइम क्यों लगता है इंसान को? पूरी कहानी सुनने के बाद सीताराम की कौन थी क्यों बोलते हैं लोग, मुझे तो समझ में नहीं आया इसका। आप समझ लो, आप समझाना तो पता चलेगा। तो आप ही समझाइए सर। हेलो, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। हेलो सर, अभी आज के जो सेशन में जितना हुआ है 3-4 दिन में, ये तो समझ में आया ईश्वर है। अभी मेरी ये सभी ने डेफिनेशन दे दिए हैं कि हमको क्या प्राप्त हुआ है, मैं इसमें से जो शंकाएं मन में चल रही हैं उसका निराकरण चाहता हूं आपसे। जैसे कि हम इस सृष्टि के अंदर में, गैलेक्सी के अंदर में हैं, तो हमें इस पूजा पाठ मंत्र जाप करने में समय गंवाना चाहिए या अपने अंदर के मानव को सज्ञान जागृत मानव बनाने में समय इन्वेस्ट करना चाहिए? दूसरा, वास्तु एस्ट्रोलॉजी का एग्जिस्टेंस इस स्पेस वर्ल्ड में काम वर्क करता है क्या? ठीक है, आप ध्यान में रखना, इसको पूरा कर लेते हैं फिर करते हैं। हाँ जी, और कोई शेयरिंग? चलो, इस सारी चर्चा को सुनने से आपके मन में कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ हो, कोई बिल्कुल कोई चीज तंग कर रही हो, बोलो माइक। सर वो ईश्वर है करके हमने मान लिया, मतलब जो भी थ्योरी है उसके हिसाब से, और हमने इकाइयां भी मान ली है, तो वो एग्जिस्टेंस में है वो थोड़ा एक्सेप्ट नहीं हो रहा। इकाइयां मतलब ईश्वर समझ गया, पर वो इकाइयाँ और उनका जो एक्सप्रेशन है जो आपने बोला, संवेदना, कल्पना, संज्ञानशीलता, वो एक्सप्रेशन पहले तो इतने ही क्यों है और वो क्यों है वो नहीं समझा। पहले क्या बोला? पहले मतलब वो जो इकाइयाँ है, इकाइयाँ क्यों? देखिए पहले इस फ्रेम को पूरा कर लेते हैं फिर बाकी चीज़ें करेंगे। तो एक तो ये समझ में आ गया कि
पूरा यूनिवर्स कुल मिला के खालिस्तान में इकाइयां हैं, और इकाइयों के बारे ये क्लैरिटी बन गई कि इकाइयां मूल दो प्रकार की हैं, जड़ और चैतन्य, जीवन और जड़ परमाणु, और इनके संयोग में चार अवस्थाएं प्रकट हैं, और मैक्सिमम ये हो सकता है अब मानव जागृत हो जाए तो जागृति की परंपरा बनी रहेगी, और जब तक नहीं होता है तब तक कुछ झगड़ा झंझट चलता रहेगा। अब ये भी क्लियर हो गया कि खालिस्तान स्वयं में क्रिया शून्य है, तो उसका बहुत क्लियर है कि ना आसन, ना आना जाना, जन्म ना मरना, सब क्लियर हो गया, तो वो है, हमको स्वीकार हो जाता है। अब खालिस्तान और इकाई के अलावा तीसरी कोई चीज है नहीं, खालिस्तान से कुछ पैदा होगा नहीं, तो इकाई कहां से आई? मतलब लॉजिक ये कह रहा है कि भाई तीसरी कोई चीज है नहीं और खालिस्तान से कुछ पैदा होता नहीं, तो इकाई कहां से आई? कोई है ही नहीं कुछ, तो यहां से पता चला कि इकाई है। तो सहअस्तित्व नित्य वर्तमान है, ये सच्चाई है। तो अस्तित्व जो कुछ भी हमको दिखाई देता है उसमें जो कुछ भी इकाइयां हमको दिखाई दे रही हैं, तो सभी इकाइयों से मूल ऊर्जा आर पार है, सभी इकाइयां अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं, और ऊर्जित होने का स्वरूप हमको चार अवस्थाओं के रूप में और फाइनली जागृत मानव के रूप में दिखाई देता है। इसमें मानव के अलावा सबकी पात्रता निश्चित है, वो बदल नहीं सकती। मानव एकमात्र इकाई है जिसमें पात्रता का विकास होता है, तो मात्र मानव को कुल इतना ही करना है कि संपूर्ण को समझने की ताकत उसके पास है, संपूर्ण को समझने की अपनी पात्रता विकसित करनी। जैसे 7 दिन, 4-5 दिन पहले जब आप आए थे तब आपकी पात्रता और अभी आपकी पात्रता पहले से कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। आपकी अभिव्यक्ति पहले से कम हुई है कि ज्यादा हुई है? चाहे कुछ लोग नहीं बोल रहे है ना, लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि हम पहले की तुलना में हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी क्लैरिटी, और हमको एक संभावना दिख रही है कि ऐसे बढ़ेगा। तो इससे ये तो समझ में आ रहा है कि हम ये जो मैं नाम की चीज है इसकी तृप्ति, जैसे बोल रहे हैं कि समाधान बराबर सुख, तो 5 दिन में ये कितना एहसास हो रहा है कि हाँ समाधान बराबर सुख होता है, ये एहसास हमको हो रहा है। ठीक, तो अभी सुनने में इतना सुखदाई है, समझ में आ गया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनने में इतना सुखदाई है, तो ये मुझको समझ में आ जाए और मेरे जीने में आ जाए और ये मल्टीप्लाई हो, अब इसको आगे एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो अभी तो इतना ही कह रहे हैं कि इकाइयां भी कहीं से नहीं आई, इकाइयां भी हैं, खालिस्तान भी है, सहअस्तित्व है, नित्य वर्तमान है, नित्य प्रभावशीली है, क्योंकि मूल ऊर्जा में ऊर्जित है, तो इकाइयां निरंतर क्रियाशील हैं, निरंतर ऊर्जा संपन्न है, और निरंतर ऊर्जा संपन्नता ही ये संसार में हमें चारों अवस्थाओं के रूप में दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी सी बात बची है उसको और पूरी कर दूं। तो देखिए यहां तक जितनी चर्चा हमने की तो इसको चेतना भी कहा, ज्ञान भी इसी को कहा। ऐसे किसी व्यक्ति को ज्ञानी बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में वो चीजों को ठीक ठीक पहचानता है और वैसा बिहेव करता है। तो बेसिकली पहचानना और वैसा बिहेव करना, यदि पूरे एग्जिस्टेंस में देखेंगे तो पदार्थ अवस्था में भी पहचानना निर्वाह करना है, प्राण अवस्था में भी पहचानना निर्वाह करना है, जीव में भी पहचानना निर्वाह करना है, मानव में भी पहचानना निर्वाह करना है, पशु में पहचानने निर्वाह करने के मूल में मानने की क्रिया है, भ्रमित मानव में मानने के साथ कल्पनाशीलता भी है, और जागृत मानव में जानने के आधार पर मानना और मानने के आधार पर पहचानना निर्वाह करने की घटना। तो इससे ये समझ में आया कि पूरी सृष्टि की सभी इकाइयां, जब हम कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि में सभी इकाइयों का क्या मतलब है, तो सृष्टि की सभी इकाइयां प्रमाणित होने के अर्थ में है, सभी इकाइयां पूर्ण में ऊर्जित हैं, पूर्ण में गर्भित हैं, इसलिए पूर्णता को आचरण की निश्चितता के रूप में व्यक्त करती हैं। मानव भी उसी पूर्णता में ऊर्जित है, गर्भित है, इसलिए मानव भी उसी पूर्णता को व्यक्त करना चाहता है। ये उसी पूर्णता को व्यक्त करने की चाहत ही सुख की चाहत के रूप में उपलब्ध है, जो कि सभी मानव में है ही। तो यहां से हमको ये ध्यान में आ गया कि इसी को
ज्ञान बोल रहे, चेतना बोल रहे, और ये भी समझ में आ गया कि इसी को ब्रह्म बोल रहे। ब्रह्म मतलब फैली हुई वास्तविकता, तो ये एक फैली हुई वास्तविकता है, ना इससे कोई पैदा हो सकता है, ना इसी से, ना ये किसी से पैदा हुआ, इसके जैसी दूसरी कोई वास्तविकता नहीं है, इसी का नाम अल्लाह है। क्यों? अल्लाह को ऐसे ही परिभाषित किया गया, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना उससे कोई पैदा हुआ, और कोई फैली हुई वास्तविकता है, और उसके जैसी दूसरी कोई चीज नहीं है। तो अल्लाह ईश्वर, तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, तो भगवान कौन हो गया? जो सहस्तित्व को समझता है, ईश्वर को समझता है, संपूर्ण को समझता है, वही भगवान है। तो मानव का ही चरम विकास भगवान के स्वरूप में है। तो मैं सभी भावी भगवान से बात कर रहा हूं। देखो, भगवान शब्द, ईश्वर शब्द काफी क्लियर है, कण कण में है, वो क्लियर है। भगवान शब्द के साथ थोड़ा कन्फ्यूजन चलता है, और इंग्लिश में और ज्यादा चलता है। इंग्लिश में भगवान शब्द की मीनिंग देखेंगे तो क्या मिलेगा? गॉड मतलब जनरेटर, क्रिएटर, और ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, जीओडी। हाँ, जीओडी, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। बस ये टर टर हटा दो, बाकी सब ठीक है। जनरेटर नहीं है, जनरेशन है। जब टर बोलते हैं तो टर वाला चाहिए, बनाने वाला चाहिए। तो गॉड को वहां नहीं रख सकते। गॉड शब्द से, भगवान शब्द से, वान मतलब जैसे गाड़ीवान, बलवान, और क्या, धनवान, पदवान, वान शब्द पहलवान। तो वान शब्द से अधिकार संपन्नता का बोध होता है। जो अपने पूरे भाग का मालिक हो गया है, उसका नाम भगवान। मानव का हिस्सा क्या होगा, मानव का भाग क्या होगा? भाग मतलब हिस्सा। तो मानव का हिस्सा क्या है? जब स्वयं को शरीर मानते हैं तो प्रॉपर्टी में हिस्से ढूंढते हैं। जब मानव के रूप में अपने आप को समझेंगे तो मेरा हिस्सा क्या है इस अस्तित्व में, मेरा हिस्सा क्या है, तो पता चला संपूर्ण को समझकर व्यक्त कर पाना, संपूर्ण को समझना और उसको जी पाना और उसको मल्टीप्लाई कर पाना, यही मेरी उपयोगिता है और यही मेरे होने का मतलब है। तो ये समझ में आया कि फिर बेसिकली संपूर्ण को समझना, तो जिसने संपूर्ण को समझकर प्रमाणित कर दिया, दिव्यता को प्रमाणित कर दिया, ऐसे व्यक्ति का नाम भगवान है, है ना। इसने पूरे अपने भाग को, अपने पूरे हिस्से को पा लिया, प्रमाणित कर दिया। तो नर से नारायण बनने की तमाम पहले से ही हमारे पास बहुत सारी बातें हैं। तो मानव का चरम विकास, तो पता चला मानव ही सर्वज्ञ है, मानव ही संपूर्ण को जानने वाली चीज, जानने वाली चीज मानव है, क्योंकि जानना भी क्रिया है, है ना। ईश्वर में क्रिया नहीं है, इसलिए वो जानने वाला नहीं है, उसको जाना जा सकता है ना। जिसने उसको जाना, उसका नाम भगवान दिया जा सकता है। तो मानव ही, जीवन ही अपने परम विकासित रूप में, विकसित रूप में, हम उसको भगवान का संज्ञा दे सकते, ये ठीक होगा। फिर देवी देवता क्या चीज है? कुल मिला के जीवन ही जागृत होता है, जीवन ही भ्रमित होता है। देवता का मतलब देने वाला है, जो दूसरों को, है ना, दूसरों के जीने में सहयोगी है, है ना, उसी का, वही देने की बात है। तो उस तरह से मानव रूप में हम समझदार होते हैं तो भी वैसे ही जीते हैं, कल जीवन रूप में रहेंगे तो भी वैसे जी। तो सार बात इतनी है कि मानव की समझ बन गई तो जीवन की पहचान हो गई, जीवन की पहचान हो गई तो जागृति जीवन की आवश्यकता है, और जीवन का जागृत होना, जीवन का समझना और जीना, यही जीवन तृप्ति है। शरीर उसके लिए साधन है, सिंपल सी बात। ऐसा हम समझ पाए, ऐसा हम जी पाए, तो ये हमारा काम पूरा हो गया। बताइए, इसको सुनने से कुछ और आपको कंफ्यूजन होता है, कोई और बात ध्यान में आती है तो बोले। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन?
ज्यादा ही क्लैरिटी हो गई ऐसा लग रहा है। हाँ मानव में वो ज्ञान के रूप में हो रहा है, मानव में पूर्णता की चाहत क्या से आ रही है कि मानव में समझने की क्षमता है वो तो पहले से दिख रहा है। जब भी मैं कोई चीज को नहीं समझता हूँ मैं अपने आप को अधूरा फील करता हूँ, जब भी मैं कोई चीज को बोल नहीं पाता हूँ तो मेरे को अधूरापन लगता है, जब भी मैं कोई चीज को जी नहीं पाता हूँ तो मेरे को अधूरापन लगता है, सामने वाले को समझा नहीं पाता हूँ तो भी अधूरापन लगता है। तो समझना जीना समझाना सीखना करना सिखाना यही मेरी पूर्णता के आधार, सीखना करना सिखाना शरीर के अर्थ में है, समझना जीना समझाना जीवन के अर्थ। हेलो भैया। हाँ जी। ये चेतना जो है वो मानव के अंदर वाली चेतना के बारे में बात कर रहे हैं ना, जिसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें भी है। हाँ, तो चेतना के रूप में खाली स्थान को पहचाना, जब मानव चेतना बोल रहे हैं तो मानव ने उस चेतना को पहचान लिया, इसको मानव चेतना बोल रहे हैं। जब मानव ने इस चेतना को पहचान लिया, सहस्तित्व को पहचान लिया, तो क्या पहचान लिया? ज्ञान को पहचान लिया। ज्ञान पहचान लिया तो क्या होगा? ज्ञान ही मानव से समाधान के रूप में व्यक्त होता है, यही सुख के रूप में व्यक्त होता है। तो फिर ये जो क्रियाशील नहीं है मूल ऊर्जा, तो फिर ये चेतना तो क्रियाशील है ना? चेतना वो तो इसलिए दो नाम अलग अलग हो गए ना, जब चेतना बोल रहे हैं तो क्रिया शून्यता को बोल रहे हैं, जब मानव चेतना बोल रहे हैं तो फिर मानव में जो मानव ने उस चेतना को कैसे ग्रहण किया तो वो ज्ञान रूप में फिर उसको बोल रहे हैं। तो मानव के बिना चेतना ऐसी रहेगी जैसे मूल ऊर्जा है? हाँ, मानव मतलब मूल ऊर्जा है ही, वही मूल ऊर्जा पदार्थ को क्रियाशीलता के रूप में प्राप्त है, वही मूल ऊर्जा प्राण संसार को स्पंदनशीलता के रूप में प्राप्त है, वही ऊर्जा जागृत मानव को ज्ञान स्वरूप में प्राप्त है। क्लियर क्लियर हो? हाँ जी हाँ जी। पीछे माइक। भैया एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था, जैसे अपन एक बोलते हैं कि सुप्रीम इंटेलिजेंस, हाँ, तो उसको कहाँ हम प्लेस कर पाएंगे? जैसे अब सुप्रीम इंटेलिजेंस, हम सुप्रीम इंटेलिजेंस से ही हम कैसे पहचान रहे हैं? सुप्रीम इंटेलिजेंस मतलब क्या? यदि वो क्रिया रूप में है तो जागृत मानव है, यदि वो सारी अस्तित्व की क्रियाओं के आधार के रूप में है तो वो क्रिया शून्य है। शब्द देखो, अल्टीमेटली शब्द को हम डिफाइन ही करते हैं ना, तो सुप्रीम इंटेलिजेंस हम क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे मेरा ये ऐसा सवाल है कि अपन जैसे बोले कि जैसे फॉर एग्जांपल अच्छी निश्चित दूरी बनाए रखना, ये कैसे तय हो गया कि दो एटम के बीच में यही अच्छी निश्चित दूरी है? हाँ, ये बहुत बढ़िया। दो एंटिटी के बीच में यही अच्छी निश्चित दूरी है? देखिए, ये मतलब चांद और धरती की अच्छी निश्चित दूरी यही है, क्योंकि हमको ये भी मालूम है कि एक एटम इधर का इधर हुआ तो पूरी सृष्टि या पूरा यूनिवर्स कोलैप्स भी हो सकता है, ये थ्योरी बताती है। तो वहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है कि ये किसने तय किया? ये अभी तो जैसे न चेतना न व्यापक कुछ कर सकता है और एंटिटी के उसमें तो इतना है ही नहीं कि कुछ वो कर ले। ये सहस्तित्व का महिमा है जी। तो देखो, मेरे को नहीं पता कि आपने जो कहा लोगों तक पहुंचा, कितना पहुंचा, सभी तक पहुंची इनकी बात? नहीं पहुंची। फिर से बोलो। मैं लगता हूँ ये लोग मान लेते हैं कि ये सोम भाई के पूछ रही हैं और सोम भाई का काम ही है ये सब सुनते रहना, और हम तो अपने आराम कर लेंगे, हमारे काम का कुछ आएगा तो देख लेंगे, तब तक हम आराम में। मेरा ये सवाल है कि व्यापक करता नहीं है। हाँ, व्यापक में क्रिया नहीं है, व्यापक वो क्रिया शून्य है। हाँ। इकाई क्रियाशील है। हाँ। व्यापक अगर कुछ करता नहीं है तो इकाई की अच्छी निश्चित दूरी फॉर एग्जाम्पल किसने तय किया? देखो, मैं आपके क्वेश्चन को दूसरी भाषा देता हूँ। यदि व्यापक स्वयं में क्रिया शून्य है तो इस पूरे एग्जिस्टेंस का इतना इंटेलिजेंटली वर्क करना कैसे हो पा रहा है? एग्जैक्टली। बढ़िया जी, बोलिए कौन आंसर करेगा? है, अरे अच्छा, ये फैली हुई चीज है इसलिए इसका एक नाम व्यापक भी है। खाली जगह को ही व्यापक बोल रहे हैं, खाली स्थान को ही व्यापक बोल रहे हैं।
व्यापक, ब्रह्म, चेतना, नित्य, सत्य, शुद्ध, बुद्ध, निराकार, ऐसे 50 नाम है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन ये है कि मूल ऊर्जा या खाली स्थान स्वयं में क्रिया शून्य है, तो वो कुछ करता नहीं है, उसमें होने मात्र से सब होता है। तो ये पूरा अस्तित्व, पूरा एग्जिस्टेंस इतना इंटेलिजेंटली वर्क करता है, तो ये सब कैसे हो रहा है? फिर कौन बोलेगा? उन्होंने उसको टेक्निकली कहा कि पूरी सृष्टि में अच्छी निश्चित दूरी बराबर व्यवस्था। तो एटम के अंदर ऑर्बिटल पार्टिकल कितनी दूरी पे रहेंगे, सेंटर के पार्टिकल कितनी दूरी पे रहेंगे, चांद और धरती कितनी दूरी पे रहेंगे, ये ग्रह आपस में कितनी दूरी पे हैं, कौन कितनी दूरी पे है, और कोई गैलेक्सी के साथ है तो फिर आपस में उनकी दूरियां कितनी हैं, ये भी एक बहुत सिस्टमेटिक काम है, ये भी रैंडम नहीं है, इसका भी कोई कैलकुलेशन है। तो ये सब कैसे तय हो रहा है? मॉलिक्यूल भी एक दो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी एक निश्चित अच्छी दूरी में रहते हैं, एटम भी, सब कुछ, पूरी सृष्टि में सब कुछ, ये सब कैसे तय हो रहा है? जी और कोई बोलो बोलो। स्वयं संचालित, स्वयं अनुशासित, हाँ जी और कोई? स्वस्तित्व की महिमा इस रूप में व्यक्त हो रही है, और कोई भीगा डूबा घिरा जो हमने बोला, तो व्यापक में ही वो डिस्टेंस है ना, तो उसमें मेंटेन करने की या तय करने की कोई जरूरत नहीं, वो डिस्टेंस तो है ही पहले से। तो मेरी स्विच हटती थी, हाँ मेरी स्विच हटती थी, तो मुझे लग रहा था कि जो चुंबकीय विद्युत बल है वो उसकी दूरी को बनाए रखना, तो आपने उसको इनकार किया था एक बार ही। जो नहीं, ऐसा इंकार क्यों किया होगा? देखिए, अब एक तो ये समझ में आ गया कि सभी इकाइयां मूल ऊर्जा में ऊर्जित हैं, अपनी पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं, पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं। ये जो पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित होने की जो महिमा है, जो उसका महिमा है, इसका मतलब है पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित हैं, इसका मतलब है कि वो व्यवस्था के अर्थ में ऊर्जित है। पूर्णता व्यवस्था के अर्थ में ऊर्जित होगा। ये जो व्यवस्था के अर्थ में ऊर्जित होना है, तो व्यवस्था क्या है? दो एटम इतना पास रहेंगे कि वो मॉलिक्यूल के रूप में एक दूसरे को पहचान रहे, और दो एटम इतना दूर रहेंगे कि वो मॉलिक्यूल के रूप में एक दूसरे को पहचान सके। इतना पास रहेंगे कि पहचान ना हो सके, और इतना दूर रहेंगे कि पहचान ना हो सके। ये दोनों इसमें कंट्रोल हो रहा है। जैसे हम किसी के कितना पास आना चाहते हैं, कितना दूर रहना चाहते हैं, हम इतना पास आना चाहते हैं कि सामने वाले से कोई दुख हमको ना मिले, और हम इतना दूर भी रहना चाहते हैं उसका, उससे सुख भी मिले और उससे दुख ना मिले। अब आप देख लीजिए, मानव के बीच में अच्छी निश्चित दूरी कैसे तय हो रही है। तो मूल में सभी मानव सुखी होना चाहते हैं। सुखी होने के लिए जिसको उसने सुख माना है, उस आधार पे वो किसी के नजदीक या किसी से दूर रहना चाहता है, और यदि उसका वो आधार बदल गया तो उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका भी बदल जाता है। तो इसका मतलब है कि यदि स्वयं को शरीर मानता है, तो शरीर के आकर्षण में, धन के आकर्षण में, पद के आकर्षण में एक दूसरे के नजदीक आना जाना चाहता है, और यदि ये समझ में आ गया कि नहीं ये तो काम नहीं करता है, तो व्यवस्था के अर्थ में, मानव लक्ष्य के अर्थ में एक दूसरे के नजदीक आना है, तो इतना नजदीक भी आना है कि हम मिलके मानव लक्ष्य के अर्थ में काम कर सके, और इतना दूर भी रहना है कि उससे कोई अव्यवस्था नहीं हो।
तो फाइनली ये मेरे को लगता है कि मानव के बीच में चीजों को पहचानने से हम नेचर में उसके रिफ्लेक्शन को देख सकते हैं। मानव में ये कैसे तय हो रहा है कि हम किससे कितना दूर, किससे कितना पास रहेंगे। बहुत मोटे में कहेंगे तो सुख के अर्थ में है, और बहुत और गहरा कहेंगे तो जीव चेतना में पास आने दूर रहने का आधार अलग है, मानव चेतना में पास आने दूर आने का आधार अलग है। इस तरह से हम किसके कितना पास रहेंगे, दूर रहेंगे, इसको तय कर रहे हैं। प्रकृति में ये लिबर्टी है नहीं, प्रकृति में मानव के अलावा कल्पनाशीलता नहीं है, कर्म स्वतंत्रता नहीं है। तो प्रकृति में इस प्रकृति की व्यवस्था बनी रहे, व्यवस्था क्या बनी रहे, देखो एक बढ़िया बात शेयर करता हूँ। यदि पूरे एग्जिस्टेंस में देखेंगे, यदि पूरे एग्जिस्टेंस में देखेंगे तो एक तो चीज है कि जिसमें मूल ऊर्जा में मैं जीवन परमाणु हूं, मूल ऊर्जा में मैं जीवन परमाणु हूं, और मुझको जागृत होना है। मेरे जागृत होने के लिए एक मानव शरीर की आवश्यकता है, मानव शरीर के प्रकट होने के लिए पशु संसार की आवश्यकता है, पशु संसार के जिंदा रहने के लिए वनस्पति संसार की आवश्यकता है, और वनस्पति संसार के खड़े होने के लिए और सबके आधार के रूप में धरती की आवश्यकता। तो दो चीजें हैं ही हैं, मूल ऊर्जा और जड़ परमाणु। तो धरती और मूल ऊर्जा, धरती भी जैसे अभी हम धरती बोल रहे हैं, बृहस्पति को हम बोल रहे हैं कि धूली कण है, अभी वो धरती भी नहीं है, ठोस भी नहीं है। अब बृहस्पति को ठोस होने में कितने साल लगेंगे, लाखों करोड़ों जो भी लगते होंगे। तो इसका मतलब है, तो पूरी सृष्टि में देखें तो मूल ऊर्जा है, इकाइयां हैं, इकाई में जड़ इकाई है। जड़ इकाई कोई कह रहे हैं कि विकास पूर्वक चैतन्य हुआ, उस कहानी को अलग से समझ सकते हैं, लेकिन ये जो चैतन्य इकाई बन गई, इस चैतन्य इकाई मूल ऊर्जा में है, चैतन्य इकाई मूल ऊर्जा में है, पूर्ण में है, इसलिए ये अपनी पूर्णता को व्यक्त करना चाहता है। इसके पास समझने की ताकत है, समझना ही इसकी पूर्णता है, समझ को प्रमाणित करना ही इसकी पूर्णता है। इस समझने के लिए, प्रमाणित करने के लिए इसको शरीर की आवश्यकता है, शरीर के बनने के लिए पशु संसार की आवश्यकता है, और उसके लिए पीछे के लिंग की आवश्यकता है। तो आप देखिए पूरी सृष्टि का कैसा मामला है। तो दो सूत्र बहुत शानदार हैं। एक सूत्र ये है कि व्यापक वस्तु का प्रतिरूप मानव में ज्ञान है, व्यापक वस्तु मानव से ज्ञान के रूप में व्यक्त है, और सहअस्तित्व का प्रतिरूप मानव है। हाँ, मैं इसलिए नहीं पूछता हूँ कि मैं भूल जाता हूँ, मैं इसलिए पूछता हूँ कि आपको याद है कि नहीं, तो लग रहा हूँ मैं भूल जाता हूँ। तो सहअस्तित्व का प्रतिरूप मानव है, इसका मतलब है जैसे माँ बाप का प्रतिरूप उसके बच्चे हैं, तो बच्चों में हम माँ बाप की छाया देख सकते हैं, माँ बाप का व्यक्तित्व बच्चों में देख सकते हैं, ऐसे ही पूरे सहअस्तित्व को हम एक मानव में देख सकते हैं। हार्डवेयर के रूप में देखेंगे तो तीनों वास्तविकताएं, तीनों क्रियाएं, चारों अवस्थाएं एक मानव में है। सॉफ्टवेयर के रूप में देखेंगे तो पूरी सृष्टि की समझ को समझने वाला और व्यक्त कर देने वाला मानव है। तो पूरी सृष्टि के होने का स्वरूप हार्डवेयर के रूप में, पूरी सृष्टि के वर्किंग का स्वरूप सॉफ्टवेयर के रूप में एक मानव से व्यक्त होता है। और जिस दिन मानव ऐसा व्यक्त कर देता है, उस समय वो स्वयं सहअस्तित्व, वो स्वयं अस्तित्व हो जाता है, स्वयं वो एग्जिस्टेंस हो जाता है। भाई एग्जिस्टेंस उससे बोलता है, क्योंकि अब उसकी कंडीशनिंग खत्म हो गई ना, अब वो जो भी बोलेगा अस्तित्व को एज इट इज बोलेगा, ऐसा ही जिएगा, ये मानव का महिमा है। तो इससे ये सब कि अब देखिए कैसा फील होता है कि मेरे व्यक्त होने के लिए ये इतनी लंबी, मेरे को शरीर उपलब्ध होना था, मुझको शरीर की जरूरत थी, तो प्रकृति में क्या श्रम हुआ है, क्या श्रम हुआ है, एक पूरा प्लेनेट करोड़ों साल मेहनत किया है, एक पूरे प्लेनेट पे अस्तित्व में करोड़ों वर्ष का श्रम हुआ है ताकि वो मानव शरीर को प्रकट कर सके, और मानव शरीर के माध्यम से मैं मेरे होने को व्यक्त कर सकूं, मेरी खुशी को व्यक्त कर सकूं, मेरे पोटेंशियल को व्यक्त कर सकूं। ऐसा कनेक्शन इतना ऐसा फैला हुआ दिखाई देता है। मेरे को नहीं पता तो आपका आंसर मिला कि नहीं,
लेकिन इसका ये मतलब हुआ कि पूरे पूरा एग्जिस्टेंस में जो इंटेलिजेंट मैकेनिज्म है वो सहअस्तित्व का महिमा, सहअस्तित्व में जो व्यापक वस्तु में जो पूर्णता की महिमा है, ये पूर्णता व्यवस्था के रूप में व्यक्त होती है। ये व्यवस्था ही अच्छी निश्चित दूरी के रूप में दिखाई देती, वो पूर्णता का एक्सप्रेशन ही है। आप देखो ना, पूरी सृष्टि की किसी इकाई के बारे में आप उंगली रख के नहीं बोल सकते कि ऐसा होता तो और अच्छा होता। मानव का शरीर जैसा है, इसका डिजाइन देखो, शरीर जैसा है, इसमें जो चीज जहां होनी थी वही है, इससे बेहतर और कोई डिजाइन का आप कल्पना कर नहीं सकते। आप करके देख लो, नीम का पेड़ जैसा है, आम का पेड़ जैसा है, यानी इस धरती में मानव 50 फुट का क्यों नहीं हुआ। 6 फुट से ज्यादा होते ही शरीर का देखें तो स्केलेटन का पूरा वजन बैकबोन पे आता है, ऐसा बोलते हैं, तो रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते। सही हेल्दी जो बॉडी है, मेरे हिसाब से जितना मेरा ऑब्जर्व 5.5 फुट का बिल्कुल ठीक ठाक है, प्लस माइनस। तो ये हाइट वाइट के चक्कर में हम क्यों पड़ गए, कलर के चक्कर में हम क्यों पड़ गए, है ना? क्योंकि हमारी मेरी महिमा व्यक्त नहीं हो रही है इसमें, शरीर को दिखा दिखा के चमका रहा हूं। मेरी तो कोई पहचान है नहीं, मेरी नाक की पहचान है, मेरी आंख की पहचान है, मेरे बाल का पहचान है, मेरे शरीर का पहचान है, मेरा कोई पहचान नहीं। जिस दिन मेरी पहचान हो जाएगी, मुझको यही शरीर मेरे को सुंदर लगता है और यही शरीर सबको स्वीकार भी हो जाता है, वो झंझट ही खत्म हो जाता है। इसलिए मैं शिविर को नेचुरल ब्यूटी पार्लर भी बोलता हूँ। गलत बोलता हूँ। खुशी से बड़ी कोई ब्यूटी है नहीं। उसी चेहरे को मुरझाए हुए देखो कैसा लगता है, वही चेहरा जब कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, आंखों से कॉन्फिडेंस झलकता है और चेहरे में खुशी झलकती है, व्यवहार में अपनापन झलकता है, उसी व्यक्ति के साथ कितना अपनापन लगता है। तो जो मैग्नेटिज्म है वो आपके शरीर में नहीं है, मैग्नेटिज्म जीवन में है, और जीवन में दूसरे को प्यार देने की क्षमता, अपनापन देने की क्षमता, उसकी जिंदगी में समाधान देने की क्षमता, उसको समझने की क्षमता। अभी भी हम किसको बोलते हैं, किसको अपना बोलते हैं, वो मेरे को समझता है। और क्यों ये ईश्वर देवी देवता के पीछे हम इतना, है ना, मुग्ध रहते हैं, हमको लगता है कि कोई सत्ता है जो मेरे को समझती है, मेरे को आर पार समझता है। और किसी से नाराज होते हैं तो भी क्या बोलते हैं, आपने मेरे को समझा नहीं। तो सारा खेल समझने के बीच में, यार इतना ही इंपॉर्टेंट है, मैं ही समझ लेता हूँ, कौन मेरे को समझेगा, तो मैं ही समझ लेता हूँ अपने आप को, ऐसा। जो मैं तो अस्तित्व में हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है, अस्तित्व में हर इकाई प्रमाणित होने के अर्थ में है, क्योंकि वो पूर्णता में उर्जित है, पूर्णता में गतित है। मानव में भी, मानव के अलावा सभी इकाइयां आचरण की निश्चितता के रूप में स्वयं के होने को प्रमाणित कर ही रही हैं निरंतर। मानव में भी उस निश्चित आचरण की प्यास है, ताकि मानव भी अपने आचरण से स्वयं भी तृप्त हो सके और उसके वातावरण में भी अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर सके। क्योंकि हर मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, उसकी उपयोगिता ही उसकी तृप्ति का आधार है। जी, एक मिनट पीछे। तो जो मैं समझी हूँ कि अपना मतलब हर इकाई जो अपनी पूर्णता व्यक्त कर रही है व्यवस्था में, वही सुप्रीम इंटेलिजेंस है, ऐसा बोल सकता हूँ? तो सहअस्तित्व सुप्रीम इंटेलिजेंस, फिर दोनों को साथ बोलना उचित है। सहअस्तित्व ही सुप्रीम इंटेलिजेंस है, सहअस्तित्व की महिमा ही ये तमाम व्यवस्था के रूप में व्यक्त हो रही है, फिर उसमें चुंबकीय बल भी और उसमें बहुत सारे बल और भी शामिल हैं, सभी एक साथ उस महिमा को व्यक्त करते हैं। बिल्कुल भैया, काल चक्र में आते आते क्या कोई ऐसा जड़ परमाणु विकास की ओर जाते हुए चैतन्य परमाणु में परिवर्तित हो सकता है? होता है, संभव कहा गया है, या दोनों सत्ता अलग अलग ही अस्तित्व में है? जड़ परमाणु ही विकास पूर्वक चैतन्य होता है, ऐसा कहा, उसकी पूरी प्रक्रिया, उसका पूरा सिस्टम उपलब्ध है, हायर लेवल के वर्कशॉप में अध्ययन बिंदु शिविर में उसको करते हैं। तो उसी प्रक्रिया के अनुसार तो क्या हम सोच सकते हैं कि पदार्थ अवस्था से प्रगति की ओर जाते हुए प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था, एक इकाई है ही है, एक परमाणु परिवर्तन की ओर जाते हुए पूरा चरम पर पहुंच सकता है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं? हो सकता है। अच्छा, हो सकता सर। सर, हाँ जी सर, उन्होंने मतलब अगर व्यापक ने हमारे अंदर प्रमाण पूरा कर लिया, फिर भाषा दिया,
तो व्यापक क्रिया शून्य है, इसलिए आपकी भाषा में कोई भी क्रिया वाला पक्ष आएगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, हमारे मेरे अंदर अगर प्रमाण पूरा हो गया, हाँ मैं प्रमाणित हो गया, मैं प्रमाणित हो गया, तो उसको मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या है? मल्टीप्लाई करने का रीजन मतलब ये कोई अलग से कोई काम नहीं है, स्वतः होता है। जैसे आप कोई भी काम कर लेते हो, काम करते हो तो बाकी भी तो वैसे ही करना चाहते हैं भाई, किसी काम को भाई, सभी जिंदा रहना चाहते हैं कि नहीं? हाँ। चाहते हैं। सभी सुखी होना चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। यदि आपको जिंदा रहना आ गया तो बाकी आपसे पूछेगा ना, यार जिंदा कैसे रहे तुम, तो आप बता दोगे। आप दूसरे के लिए उपयोगी सिद्ध हो पाए, सूत्र यह है कि मानव अपने महत्व को जानकर तृप्त होता है, मेरी उपयोगिता ही मेरा महत्व है, तो आप अपने महत्व को प्रमाणित करते हो, सामने वाला वही उपयोगिता पूरकता, वही कनेक्शन। तो मैं एक तरीके से, तो विकसित इकाई अविकसित इकाई, विकसित इकाई अविकसित के लिए उपयोगी है, विकसित इकाई अविकसित के लिए पूरक है, और अविकसित इकाई विकसित के लिए उपयोगी है। तो ना समझ व्यक्ति के लिए समझदार व्यक्ति उपयोगी है अपनी समझ को पूरा करने के लिए, है ना? समझदार व्यक्ति के लिए ना समझ व्यक्ति उपयोगी है, और ना समझ के लिए समझदार व्यक्ति पूरक है। तो वो उपयोगिता पूरकता है, बस पूरी नेचर में ऐसे ही। भैया, how did we evolve from monkeys to humans? Like how did that turn happen? हाँ भैया, देखो ये सब बातें ना, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा सा मैं बोल तो दूंगा, तो यहाँ ये नहीं बोल रहे हैं कि घिसते पूंछ घिस गई, ऐसा नहीं बोल रहे। तो ये बोल रहे हैं कि सीधे किसी पशु से मानव ही प्रकट हुआ, पूंछ घिसी तो सबकी क्यों नहीं घिसी, बाकी क्यों रह गए? तो किसी, ये पूरा जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, तो पूरी सृष्टि में एक अवस्था तृप्त होती है तो उससे हायर लेवल ऑर्डर अपने आप प्रकट हो जाता है। तो इस तरह से किसी पशु से डायरेक्ट मानव शरीर ही पैदा हुआ, और धीरे धीरे उसकी कल्पनाशीलता विकसित होती गई और हम यहाँ तक पहुँच गए। मानव शरीर में जीवन और शरीर का डिजाइन दोनों ही ऐसा था कि कल्पनाशीलता को साकार करने के लिए शरीर भी अनुकूल है और जीवन में कल्पनाशीलता भी व्यक्त हो रही। हाँ, डार्विन्स थ्योरी में तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन आएंगे। एक तो डार्विन थ्योरी मानव के विकास का नहीं है, वो शरीर के विकास की बात कर रहे हैं। डार्विन ये नहीं कह पा रहे हैं कि शरीर का और विकास होगा तो कैसा होगा। डार्विन ये भी नहीं कह पा रहे हैं ऐसा हुआ तो ऐसा ही क्यों हुआ। पर्पज मिसिंग है। मैं फिर से यही कह रहा हूँ कि साइंस का पूरा अध्ययन स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, उसमें पर्पज पूरी तरह से मिसिंग है। ना अस्तित्व का कोई पर्पज है, ना मानव का कोई पर्पज है, इसलिए क्यों स्वस्थ रहना है ये भी पता नहीं है। बस सब कुछ चल रहा है, इसलिए काफ़ी कुछ, बहुत सारी चीज़ें कई बार इन 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 मान्यताओं के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम है। हेलो। हाँ जी, यहाँ पे। और इसलिए तृप्ति भी नहीं है, कुछ भी कर लेते हैं वो करने के बाद वो तृप्ति नहीं आ रही है। हाँ, कहाँ हो? हाँ, हेलो। क्या हम समझने को ही इवॉल्वमेंट होना बोल सकते हैं? हाँ, समझना और समझ को प्रमाणित करना ही इवॉल्व होना है। जीव चेतना से इवॉल्व होने का एक ही मतलब है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन ही एकमात्र इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। मानव के और सींग विंग, हाथ पैर और आएंगे, ऐसी आवश्यकता नहीं है। जैसा शरीर हो गया, ये विकसित हो गया, अब इसमें और विकास नहीं होगा, इसका आधार क्या है, इसको कैसे बोलेंगे? जैसा मानव अभी है, ये और विकसित नहीं होगा, शरीर में और कुछ नहीं होना है, इसका आधार क्या होगा? यदि इस शरीर के माध्यम से किसी एक व्यक्ति ने पूरे अस्तित्व को समझ भी लिया और समझ के उसको व्यक्त भी कर पाया, तो इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट में और विकास की आवश्यकता नहीं है, जीवन में ही विकास की आवश्यकता है, जिसको हम जागृति कह रहे हैं। सर, एक शंका पूछनी थी। हाँ। जैसा कि सृष्टि सब नियम के हिसाब से चलती है, हाँ, तो मेरा अभी तक का जीवन, भ्रमित जीवन, ये भी नियम के अनुसार था? ये उस नियम को समझने की कोशिश में था, चूंकि परंपरा में नियम उपलब्ध नहीं है और गलतियों से हम सच्चाई को नहीं पाते हैं, इसलिए कभी आस्था से काम चलाया, कभी ठोकर खाई, और अनुसंधान पूर्वक ये नियम निकल के आ गया, तो धीरे धीरे हम इसको अब समझ लेंगे।
तो इसके बाद का भी मैं 10 साल 20 साल कैसा रहूंगा, क्या करूंगा, ये भी नियम के अनुसार ही होगा। बिल्कुल नियम के अनुसार ही होगा, नियम से अलग कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसका इतना ही मतलब हुआ कि सदा सदा से मानव इस धरती पे अपने जिंदा रहने और सृष्टि को समझने के प्रयास करता ही आया है। जितनी मात्रा में उस सत्य को उद्घाटित कर पाया उतना उसके जीने में क्वालिटी आ गई, जितनी क्वालिटी जितना नहीं समझ पाया उतना अभिशेष है। भैया ये जो मानव लक्ष्य है समाधान समृद्धि अभय सहस्तुता, उनका और व्यापक के एट्रीब्यूट्स का कोई ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन, कौन से प्रेरणा मिल रही, कुछ कोई उसका मैपिंग आप बताओ तो। आई नो देयर इज अ मैपिंग बट आई कांट फाइंड इट। मैपिंग यही है, मैपिंग यही है। मूल ऊर्जा अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है, विचार काल में समाधान के रूप में प्राप्त है, अनुभव है ना न्याय, आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है और व्यवसाय काल में नियम के रूप में प्राप्त है। अब तो ये ध्यान में आ गया कि नियम कैसा है। लोहे का परमाणु मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण जिस स्वरूप में ऊर्जित है वो ध्वनि ताप और विद्युत के रूप में व्यक्त होता है और लगातार वही एनर्जी लेवल बना रहता है, उसी को नियम बोल रहे हैं। ये क्लैरिटी आ गई। मानव में समाधान बराबर सुख के रूप में व्यक्त है और जब दो मानव मिलके समाधानित होते हैं इसी का नाम न्याय है। ये भी क्लियर हो गया, परिवार आ गया आनंद। तो बेसिकली जब हम कह रहे हैं कि व्यवसाय काल में नियम के रूप में व्यक्त है, इसका कि ये कहाँ पे आएगा, समाधान समृद्धि। तो समाधान कहाँ पे आ गया, विचार काल में समाधान के रूप में व्यक्त है, समाधान आ गया। समृद्धि कहाँ आ गया, व्यवसाय काल में नियम के रूप में व्यक्त है, समृद्धि आ गई। अभय कहाँ आ गया, न्याय की, न्याय की जो मल्टीप्लिकेशन है यही अभयता है। चारों अवस्थाओं में संतुलन आनंद की अभिव्यक्ति। बढ़िया, धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। अस्तित्व में दो चीजें, इकाइयां और खाली स्थान। अस्तित्व इस अस्तित्व ये दोनों मिलके अस्तित्व है, इसलिए स अस्तित्व बोल रहे। एग्जिस्टेंस इज कोएग्जिस्टेंस क्यों बोल रहे कि ये दो चीजें हैं उसमें। इकाइया मतलब परमाणु या एटम, यूनिट्स, इसमें दो जड़ चैतन्य, जड़ परमाणु पदार्थ प्राण है ना, जीव शरीर, मानव शरीर, इसमें अस्तित्व में इसका प्रकटन है। चैतन्य परमाणु जीवन, ठीक है, ये जीव में भी है मानव में भी है, ठीक है यहां तक। जड़ में और ये सब जड़ में भौतिक और रासायनिक क्रिया से पूरा संसार बना है ना, और जीवन में जीवन क्रिया,
चल नहीं चल ये यानी फिजिकल रिएक्शंस केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना। पदार्थ पूरा फिजिकल रिएक्शन से होगा, मतलब जो भी अलॉय है ना, पत्थर का कुछ है तो वो पूरा फिजिकल, और केमिकल मतलब प्राण संसार भी। ये क्या है, केमिकल है कि फिजिकल है? केमिकल। जीव और मानव शरीर भी केमिकल सेल से ही बना है, और जीवन क्रिया, जीवन कैसे बनता है और उसमें कौन सी क्रिया है वो कल भैया पढ़ाएंगे सुबह। खालिस्तान यानी व्यापक, एक नाम वहां लिखने का रह गया, बाकी सब नाम लिखे हैं। ये सबके नाम के अर्थ समझ गए? इसमें कोई डेफिनेशन में प्रॉब्लम कोई नाम में? ये है असीम, मतलब उसका कोई बाउंड्री नहीं है। अखंड मतलब कंटिन्यूअस है, कोई खंड नहीं है, उसके पार्ट्स नहीं है। अप्रभावित, उसमें कोई प्रभाव नहीं होता। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट है ना। अद्वितीय मतलब एक ही है, दूसरा नहीं है कोई। निराकार, आकार नहीं है। और रूपात्मक, रूप नहीं है। नहीं, असीम मतलब लंबाई चौड़ाई छह दिशाएं, मतलब चार दिशा और लंबाई चौड़ाई, ये छह डायमेंशन मतलब असीम हो गया। और क्या बोला आपने? निराकार मतलब, हाँ मतलब उसको बाउंड्रीज है तभी आकार रहेगा बोल सकते वैसा, हाँ हाँ। और रूपात्मक फिर से वही हो गया, कोई रूप में उसको पहचान नहीं सकते। आप कौन सा बोल रही? पारगामी मतलब आर पार, एक हो गया। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, जैसा कांच रहता है, कांच में से हमको दिखता है, पर कांच पारगामी नहीं है, उसके अंदर से कोई चीज उधर जा नहीं सकती है ना। पर पारगामी अगर कोई चीज है तो उसके अंदर से भी पास हो सकती, हाँ। जैसे रसगुल्ला है, वो अगर इसमें डाला चाशनी में तो चाशनी उसके आर पार भी है, है ना, वो पारगामी हो गया। या कांच वाला एग्जाम्पल, वो पारगामी हो गया। नित्य मतलब सदा सदा है। सत्य मतलब वो बदल नहीं सकता। शुद्ध मतलब उसमें कुछ मिलाया नहीं जा सकता, सुखदाई है। बुद्ध मतलब जिसका बोध हो सकता है, जिसका अनुभव हो सकता है, उसका नाम है बुद्ध। ज्ञान स्थिति पूर्ण मतलब पूर्ण है वो, और पूर्ण पूर्ण मतलब एक ही स्थिति में रहेगा, पूर्णता की एक ही स्थिति रहेगी, स्थिति बदलेगी नहीं, उसकी पूर्ण है, उसमें से कुछ निकाला नहीं जा सकता, उसमें कुछ मिलाया नहीं जा सकता, इसलिए स्थिति पूर्ण है। ऊर्जा स्वरूप इसलिए बोला है कि सारी इकाइयां उसमें होने मात्र से क्रियाशील है, इसलिए वो ऊर्जा स्वरूप है। हाँ, सुखप्रद, सुखदाई है ना। जैसा कोई भी चीज अगर उसके प्योरेस्ट फॉर्म में है, उसमें कोई मिलावट नहीं, आप कर भी नहीं सकते, मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म, तो सुखदाई है ना। एक जैसा ही है, कुछ उसमें आप मिला भी नहीं सकते, उसको उसको कंटेमिनेट नहीं कर सकते। हाँ नहीं, ये जब व्यक्त होगा, आप जैसा कहाँ क्या बोलो, जब वो स्पेस व्यक्त होता है तब ये आनंद, ये सुख के रूप में आपको सुखदाई लगेगा, है ना। ये जब आप विचार काल में हो तो फिर समाधान के रूप में वो आपको सुखदाई लगेगा, तब उसका अनुभव होगा, है ना। सुखदाई है, उसका अनुभव है, सुख का अनुभव होगा। ये ठीक हो गया। साम्य ऊर्जा मतलब
एक जैसी ऊर्जा है, एक जैसी है, साम्यता है। निरपेक्ष मतलब जैसा सापेक्ष ऊर्जा एक होती है, सापेक्ष ऊर्जा मतलब जैसा काइनेटिक एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, ये सापेक्ष हो गया, जिसका हम डायरेक्टली उससे इकाइयों के बीच में जो ऊर्जा होती है वो सब सापेक्ष ऊर्जा है। क्या बोलेंगे? रिलेटिव। एक एक की वजह से दूसरे को मिल रही है, दूसरे की वजह से तीसरे को मिल रही है, वो सापेक्ष ऊर्जा है। तो जितना भी हमारा जड़ संसार है वो सब सापेक्ष ऊर्जा में ऊर्जा से ही चलता है, मानवकृत जो कुछ हम करते हैं जैसा। और निरपेक्ष ऊर्जा मतलब उसमें होने मात्र से ही इकाइयां ऊर्जित है, उसको निरपेक्ष ऊर्जा बोल जी। ये सब सापेक्ष हो गया, सब सापेक्ष हो गया। हाँ, ऐसी एक ही ऊर्जा, वो भी ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा स्वरूप है, ऊर्जा स्वरूप है। उसमें होने मात्र से ऊर्जा बोलेंगे तो कुछ करेगा फिर से, तो करने वाला पार्ट नहीं है इसलिए वो ऊर्जा स्वरूप कह रहे हैं उसको। उसमें होने मात्र से इकाइयां ऊर्जित रहती है अपनी पात्रता के अनुसार, जितनी जिसकी पात्रता है, ग्रहण शक्ति है, उसके हिसाब से उतनी वो ऊर्जित रहती है। ज्ञान क्यों बोल रहे इसको, जैसे भैया ने एक एंगल बताया, चेतना भी व्यापक है, ज्ञान भी व्यापक है, ब्रह्म भी व्यापक है, व्यापक के ही नाम है वो। तो ज्ञान इसलिए कह रहे कि जैसे व्यापक में इकाइयां ऊर्जित रहने से वो क्रियाशील है और व्यापक क्रियाहीन है, उसमें क्रिया का क्रिया नहीं है पर समस्त क्रियाओं का आधार है व्यापक। उसी तरह से ज्ञान भी कोई क्रिया नहीं है पर ज्ञान जीवन क्रियाओं के लिए प्रेरणा है, इसलिए व्यापक को ज्ञान भी कहा है। ये समझ गया, क्योंकि ये कल जीवन क्रिया पढ़ाएंगे तब ये, अगर ये रहा रेफरेंस रहा तो जल्दी ध्यान में आ जाएगा। मतलब व्यापक में क्रिया नहीं है, वो क्रियाहीन है, फिर भी वो समस्त क्रियाओं का आधार है। कैसे? उसमें ऊर्जित होने मात्र से सभी इकाइयां क्रियाशील है, कार्यरत है। सिमिलरली ज्ञान भी क्रियाहीन है पर सभी क्रियाओं का आधार है। तो क्रियाएं कौन सी? जीवन की जो क्रियाएं हैं उसके लिए ज्ञान ही आधार है। क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, वो कल आएगा, उसका आधार ज्ञान है, इसलिए व्यापक को ज्ञान भी कहा है। ब्रह्म भी बोला है उसको एक नाम, व्यापक मतलब वो हाँ फैला हुआ है सब जगह, उसका कोई स्टार्ट पॉइंट भी नहीं है, एंड पॉइंट भी नहीं है, इतनी उसकी व्यापकता है, इसलिए व्यापक कह रहे हैं। अभी मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने मात्र से हर इकाई अपनी पात्रता के अनुसार ऊर्जित है और क्रियाशील है। अभी इसको सह अस्तित्व कैसे समझेंगे इसका? तो एक कॉन्सेप्ट बताया, डूबा, भीगा और घेरा, है ना? इसको ही बोला है संपृक्तता। तो हर इकाई व्यापक में डूबी, भीगी और घेरी है। डूबा, भीगा और घेरा का समझ गया एग्जांपल? रसगुल्ला है, जिलेबी है, कॉटन है, पानी में अगर भिगाया है तो, है ना? तो डूबा होने से हर इकाई ऊर्जा संपन्न है, क्योंकि व्यापक में हर इकाई डूबी है इसलिए वो ऊर्जा संपन्न है। भीगा होने से क्या है? वो क्रियाशील है। और घेरा होने से संतुलित है, इससे ये नियम है ना? हाँ,
जैसे अभी ये व्यापक है, इसमें एक इकाई है, दो इकाई है, अभी ये आर पार है, इसमें से पानी या क्या बोलेंगे चाशनी आर पार है, तो ये भीगा हुआ है, ठीक है, ये डूबा हुआ है, मतलब ये पूरा इसके चारों तरफ भी पानी या चाशनी है, और ये घिरा हुआ है इसी से, इसलिए इससे भी दूर है, तो ये एक दूसरे से नियंत्रित है, उसी वजह से संतुलित है संपूर्ण व्यवस्था। निश्चित दूरी जो कह रहे थे वो ये है, नहीं नहीं ये तो समझने के लिए कर रहे हैं हम, भासमान स्थिति में, मतलब नहीं समझा मुझे, फ्लोटिंग कंडीशन मतलब, हाँ हाँ मतलब जितने प्लैनेट्स और ये ग्रह गोल है सब गैलेक्सीज वगैरह फ्लोटिंग कंडीशन में है ऐसा, हाँ ऐसा बोल सकते, इसको कोई आधार नहीं है ना, व्यापक में सब है ही, ये ठीक है। हाँ मतलब जैसा एक समझ लो कोई बॉल को किस कोई चीज को बॉल को ऑयल लगा दिया और वो पानी में डाल दिया एक बकेट में, तो उसको पानी छुएगा नहीं है ना, तो फिर वो उसमें डूबा हुआ नहीं कहेंगे उसको, इसमें हर इकाई डूबी हुई भी है, वो व्यापक उसके आर पार भी है, और वो संतुलित भी है क्योंकि घिरा हुआ है उससे, तो व्यापक ही एक इकाई को दूसरे इकाई से दूर रख रहा है, संतुलित रख रहा है, उसमें होने मात्र से वो ऊर्जा भी उसको दे रहा है ना, और वो ऊर्जा संपन्न व्यापक की, व्यापक से ही ऊर्जा संपन्न रहने की वजह से वो नियंत्रित भी है कोई नियम से, क्योंकि वो ऊर्जा उसकी पात्रता के अनुसार ही ले रही है इकाई, इसलिए वो एक नियंत्रण में ही नियंत्रित भी है, वो तो नियंत्रित भी है, संतुलित भी है, और ऊर्जा संपन्न भी है, ये ठीक हो गया। अभी आप बताइए, मतलब कुछ इसमें अपने को करना होगा और कुछ चर्चा, तो कुहू ये ठीक है कि एक बार चेक करना, ये इधर के उधर हो जाता है। संज्ञानशीलता, हाँ जैसे जड़ संसार में क्रिया है सभी इकाइयां, इकाई का नाम ही क्रिया है, कोई भी इकाई ऐसी है नहीं जो जिसमें क्रिया नहीं है, सब इकाई अपनी क्रियाशीलता के साथ ही है, वो क्रियाशीलता जितने भी ये है जड़ संसार उसमें क्रिया के माध्यम से व्यक्त होता है, जो भी उसका पर मतलब जैसे पदार्थ का ये है धर्म है होना सिर्फ, तो वो बने रहना, वो लोहा लोहा ही रहेगा, वो फॉर्म में वो व्यक्त होता है, इसमें सेल्युलर स्पंदन के फॉर्म में व्यक्त होता है प्राण में, जीव में संवेदनशीलता है इंद्रियों के माध्यम से, और भ्रमित मानव में कल्पना, ये डिटेल बताया भैया ने, कल्पनाशीलता है, और जागृत मानव में संज्ञानशीलता है। ये कल्पनाशीलता बोलेंगे कि आशा विचार इच्छा की अस्पष्ट गति, वो जब चीज स्पष्ट होने लगती है, सिर्फ आशा विचार इच्छा से आगे जाकर वो कल होगा, वो रेफरेंस नहीं लेते अभी यहाँ पर। संज्ञानशीलता मतलब संवेदनशीलता और संवेदनहीनता में जब क्वालिटेटिव चेंज है उसको संज्ञानशीलता कहेंगे। जैसा एक अवस्था की पृष्ठभूमि अगले अवस्था के विकास के लिए पृष्ठभूमि बन जाती है, एक अवस्था का विकास, जैसे जड़ पूरा हो गया तो उसके आगे प्राण के लिए पृष्ठभूमि बन गई, जैसे पूरा ये मिट्टी पत्थर मणि धातु है, वो पूरे आइटम्स तैयार होने के बाद जैसे सबसे पहले क्या आया,
तो ये जड़ संसार भी तीन फॉर्म में समझ लिया, ठोस, तरल और विरल। तो ठोस मतलब सॉलिड हो गया, तरल मतलब लिक्विड हो गया, और विरल मतलब गैसेस हो गया। तो सबसे पहले तो गैसेस ही थे, सिर्फ लिक्विड नहीं था, ठोस नहीं था, तो गैसेस या कुछ होंगे उसके साथ में। तो गैसेस में से ही कुछ फॉर्मेशन हुआ तो एक कोई एटम बना, तो समझ लो या मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन हुआ तो H2O बना, है ना, पानी बना। फिर पानी में से ही एल्गी कुछ बना होगा, तो वो प्राण संसार की शुरुआत हो गई। हाँ, एल्गी के पहले यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। हाँ, मतलब जड़ संसार में से ही विकास के रूप में प्राण संसार शुरू हुआ, एल्गी बनी, शैवाल जिसको बोलते हम, फिर उसमें से छोटे ये बने होंगे क्रीपर्स, फिर झाड़ बने, है ना, झाड़ में से पत्ती फल लगे, वो पत्ती फल जब नीचे गिरे तो वो ही उसमें से ही मिट्टी में ये बना, क्या बोलेंगे, ह्यूमस बना। ह्यूमस किसको बोलेंगे, मॉइस्चर बना वहाँ पे, वो मॉइस्चर में से छोटे मोटे ये बने, कीड़े, जंतु, जानवर, है ना। तो पहले जड़ संसार, गैसेस से पानी, फिर वो लोहे के इसके एटम्स, फिर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स, उसमें से प्राण संसार, प्राण संसार में से ही उसके मॉइस्चर और केमिकल रिएक्शंस में से, मतलब पत्ते है, फूल है, फल है, वो जब मिट्टी में गिरे वहाँ पे ह्यूमस तैयार हुआ, मॉइस्चर तैयार हुआ, और केमिकल रिएक्शंस हुई, गैसेस, हवा, वो सबके कॉम्बिनेशन से कुछ छोटे मोटे कीड़े बने, छोटे मोटे कीड़ों से ही फिर रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से ही फिर वो इवोल्यूशन ऐसे बनते गया, है ना। तो उसी क्रम में मानव बना कभी तो भी विरल, विरल मतलब गैसियस स्टेट, तरल मतलब लिक्विड स्टेट, विरल, विरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ और विरल पदार्थ। मानव बना तो भ्रमित मानव, अभी ये कल्पनाशीलता है, ये इस संज्ञानशीलता उसके आगे की स्टेज है। तो भ्रमित मानव जब जागृति के लिए, समझने के लिए काम करेगा तो संज्ञानशील बनेगा, और संज्ञानशीलता मतलब क्या, कि समाधानित हो जाए, समृद्ध हो जाए, है ना, समाज भय मुक्त हो जाए, यही संज्ञानशीलता है। भैया संज्ञानशील इधर, संज्ञानशीलता एक प्रकार से कल्पनाशीलता ही होगी, मतलब मानवता के अर्थ में आई हुई कल्पनाशीलता को ही संज्ञानशीलता बोलेंगे। नहीं, कल्पनाशीलता की स्पष्टता, स्पष्टता, हाँ, कल्पनाशीलता मतलब, हाँ, कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु, कल्पनाशीलता एक अस्पष्ट है, आशा विचार इच्छा की अस्पष्टता मतलब कल्पनाशीलता है, और कल्पनाशीलता का तृप्ति बिंदु संज्ञानशील, निश्चित आचरण के साथ आई हुई कल्पनाशीलता, ऐसा कुछ। हाँ, भीगा होने से, वही ऊर्जा संपन्न है ना, और ये ठीक है। और हाँ, व्यापक प्लस जड़, इसका मैनिफेस्टेशन ध्वनि, ताप और विद्युत है, ये प्रभाव कहते हैं इसको। है ना, तो व्यापक जब व्यक्त हो इसमें ये होगा, तो ये ध्वनि, ताप, विद्युत के माध्यम से दिखेगा,
इसमें ये बीच में भौतिक रासायनिक क्रिया है। ध्वनि मतलब साउंड, वो तो बताया ना भैया ने कि जो ये जैसा, हाँ वो डायग्राम से कोशिश करते हैं अपन, उसमें ज्यादा समझ में आएगा। ये जैसा एटम मिक्स स्ट्रक्चर है, ये समझ लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये जब घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ना ये स्पिनिंग मोशन भी रहता है इसका, फिर एक वाइब्रेटिंग मोशन भी रहता है, और ये ऐसा भी घूमते रहता है। तो ये सब जो घूमते रहते हैं, यानी ये इसका स्पिनिंग मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन, क्या बोलते उसको, नहीं रैंडम नहीं, ये तो एटम बनने के बाद फिर रैंडम नहीं है ना, ये तो स्पिनिंग है, वाइब्रेटिंग है और ऑर्बिटल मोशन है। तो इससे जो प्रभाव निकलते हैं, ये तीन टाइप के निकलते हैं, ध्वनि, ताप और विद्युत। तो ये निश्चित दूरी में ही रहते हैं, ये एक दूसरे से नहीं टकराते कभी भी, और ये दूसरा आइटम है समझ लो, तो ये भी इससे निश्चित दूरी में रहता है। तो इसका जो प्रभाव है वो हमको ध्वनि, ताप और विद्युत के रूप में व्यक्त होता है एटम्स, ये क्या बोलते हैं उसको, परमाणु अंश, परमाणु अंश की गतियां, उनका क्रियाशील रहना एटम में, उसका मैनिफेस्टेशन ध्वनि, ताप, विद्युत के माध्यम से हमको देखने मिलता है या उसका अनुभव होता है। ठीक है, और क्या था, ध्वनि, ताप, विद्युत, आशा, विचार, इच्छा, वो कल करेंगे भैया, करेंगे वो। इसमें ऐसा बोल रहे, हम एक इकाई है, अपनी पात्रता अनुसार पूर्णता में ऊर्जित है, मतलब व्यापक में ऊर्जित है। अब मेरे व्यक्त होने का प्रमाण, हाँ जैसे इसमें ध्वनि, ताप, विद्युत है, तो मेरे व्यक्त होने का प्रमाण क्या है, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग, मानव का व्यक्त होने का प्रमाण क्या है। हाँ, तो व्यापक अनुभव काल में, यहां से शुरू करते, व्यवसाय काल में नियम के रूप में व्यापक व्यक्त हो रहा है, मतलब उसमें जैसा ध्वनि, ताप, विद्युत के रूप में व्यक्त हो रहा है जड़ संसार में, यहां पर व्यवसाय काल मतलब मैं जब प्रकृति के साथ काम कर रहा हूँ, कुछ भी, जैसे तीनों अवस्थाओं के साथ मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो वो नियम के रूप में, कोई ना कोई नियम से ही होगा वो, तो वो नियम के रूप में व्यक्त होगा, मतलब प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए मैं जो भी कार्य करता हूँ प्रकृति के साथ, वो मैं कोई नियम से करूंगा, तो वो नियम के रूप में व्यक्त होगा, और जब वो नियम से काम होगा तभी वो समृद्धि रहेगी, है ना, नहीं तो मैं कोई भी काम डिस्ट्रक्शन के लिए ही करूंगा। पर जो निश्चित नियम है उसके अनुसार अगर मेरा प्रकृति के साथ आचरण है, निश्चित आचरण में मैं अगर हूँ, तो वो नियम के रूप में ही व्यक्त होगा, तभी वो शुद्ध जो व्यापक है वो मेरे द्वारा व्यक्त हो रहा है,
उसको देखने का माप नियम और समृद्धि है कि मेरा आचरण निश्चित, नियम मतलब निश्चित आचरण, तो मैं अगर निश्चित आचरण में हूँ प्रकृति के साथ तो मैं शुद्ध रूप व्यापक मेरे थ्रू व्यक्त हो रहा है, ऐसा इसको बोलेंगे। सिमिलरली मेरे आचरण काल में मेरा जो व्यवहार है, व्यवहार मानव के साथ ही होगा, मेरा व्यवसाय मेरा किसके साथ होगा, पूरे प्रकृति के साथ, उसको कार्य भी बोलेंगे। मतलब कार्य मेरा तीनों अवस्थाओं के साथ होगा, जड़ के साथ भी मैं कुछ ना कुछ करता ही हूँ, पंखा ट्यूबलाइट है ना, कपड़ा, मैं प्राण के साथ भी कुछ मेरा संबंध है ही और जीव के साथ भी मेरा संबंध है ही, तो ये तीनों अवस्थाओं के साथ जब मैं काम करता हूँ वो काम मेरा निश्चित नियम के अनुरूप रहता है, निश्चित आचरण में रहता है मेरा काम प्रकृति के साथ, तब मेरी समृद्धि है, पूरे मानव जाति की समृद्धि है, प्रकृति में संतुलन भी है, तभी मैं व्यापक के साथ क्या बोलेंगे सिंक्रनाइज्ड हूँ, मतलब व्यापक के सह अस्तित्व में प्रमाणित कर रहा हूँ, तभी बोलेंगे ना। सिमिलरली आचरण काल में या व्यवहार काल में, व्यवहार में मानव से करूँगा, कार्य में प्रकृति के साथ करूँगा, तो मानव से जब मेरा व्यवहार है उसको आचरण बोलेंगे, वो न्याय के रूप में व्यक्त होगा। न्याय मतलब दो, न्याय करने के लिए एटलीस्ट एक मानव लगेगा है ना, या परिवार में न्याय प्रमाणित होता होगा, हाँ दो मानव लगेंगे मतलब मैं एक और एक, और पर या परिवार में न्याय प्रमाणित होगा, तो परिवार में मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा आचरण कैसा है, न्याय हो रहा है कि नहीं, न्याय मतलब संबंधों की पहचान, मेरा संबंध ये मानव से कैसा है, ये मानव से क्या संबंध है, ये मेरा मेरी पुत्र है, ये मेरी माँ है, उसके जो इंग्रेडिएंट, या मेरा दोस्त है या ये मानव है, उसमें मेरा व्यवहार कैसा है, उसमें न्याय हो रहा है क्या, वो संबंध की पहचान हो गई, वो संबंधों के मूल्य रहते हैं, हर संबंध का निश्चित निहित मूल्य है, वो मूल्यों की पहचान, संबंधों की पहचान और उभय तृप्ति, मतलब दोनों तृप्त हो रहे उसी को न्याय बोलेंगे। एक 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 पक्ष अगर ये महसूस कर रहा है कि नहीं, सेटिस्फैक्शन सेटिस्फाइड महसूस नहीं कर रहा है, तो उसको न्याय नहीं कहेंगे, दोनों समाधानित हो रहे हैं वो व्यवहार से आचरण से, उस तभी उसको न्याय कहेंगे। इसलिए कह रहे थे कि कोर्ट में न्याय नहीं होता, फैसला होता है, क्योंकि कोर्ट में एक पक्ष तो नाराज होकर ही जाता है, एक पक्ष का तो उसको तो लगता ही है कि मेरे साथ अन्याय हुआ करके, तो दो संबंधों की पहचान, संबंधों में निहित मूल्यों की पहचान, वो मूल्यों का निर्वाह, वो मूल्य को हमने सेटिस्फाई भी किया और दोनों की तृप्ति हो गई, उभय तृप्ति, उसका नाम है न्याय। इतना जब होगा तब कहेंगे कि वो न्याय व्यापक के रूप में प्रमाणित हो रहा है ना, फिर मैंने प्रमाणित कर दिया। विचार काल में मैं हूँ तो मैं समाधानी हूँ क्या, समाधान मतलब मेरे पास सब चीजों के उत्तर है क्या, है ना, तो ये मेरे साथ ही है तो मैं सुखी हूँ क्या, तो मैं जब अकेला हूँ तो मैं कुछ ना कुछ सोचते रहता ही हूँ, विचार चलता ही है, मेरा भाव और विचार पूरे मेरे साथ है ही, और मैं वो मूल रूपी ऊर्जा व्यापक से ऊर्जित हूँ ही, तो मेरा भाव और विचार मेरे साथ चल रहा है, उसमें अगर मेरा समाधान है, मैं सुखी हूँ, तो व्यापक व्यक्त हो रहा है। तो जब 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 मैं सुखी हूँ तब व्यापक व्यक्त हो रहा है, अगर मैं सुखी हूँ, और जब जब मैं सुखी रहूँगा क्या, सुख निरंतर ही रहेगा, नहीं तो उसको सुख नहीं कहेंगे, आज है कल नहीं है अभी है तभी नहीं है तो सुख नहीं है, तो निरंतर सुख की स्थिति जिस दिन मेरी रहेगी उस दिन कहेंगे कि विचार काल में व्यापक का मैनिफेस्टेशन हो रहा है, और अनुभव काल में आनंद के रूप में, अनुभव मतलब सह अस्तित्व में अनुभव बोलेंगे इसको, सह अस्तित्व में अनुभव, सह अस्तित्व से अनुभव और सह अस्तित्व के लिए अनुभव, तो ये तीनों का जब मुझे अनुभव होगा, वो ज्ञान और मैं जब तदाकार होंगे, तदाकार मतलब एक रूप होंगे, तब आनंद के रूप में, और फिर वो आनंद परमानंद है, मतलब परम आनंद है, वो हमेशा वो वैसा ही रहेगा, ऐसा इसको बोल रहे। तो ये एकदम क्या बोलेंगे एकदम जागृति वाली स्थिति है, ये फाइनल डेस्टिनेशन
इसको ही संज्ञानशीलता बोलेंगे। यहाँ पहुंच गए मतलब आप संज्ञानशील हो गए, है ना। और ठीक चल रहा है क्या? मेरे को ही नहीं लग रहा। अच्छा, थोड़ा ये वाला है ना, ये क्या बोलेंगे, टेक्स्ट बुक वाला नहीं है ये। टेक्स्ट बुक्स में से तो कैसे पढ़ा देंगे जो पता है। दिस इज नॉट टेक्स्ट बुक, दिस इज समथिंग हु हैज लिव्ड दिस, और वो पूरा अंदर जिसको वो ही ज्यादा अच्छे से बता सकता। अभी वो स्थिति, मैं टेक्स्ट बुक का मैं कॉन्फिडेंस रहता है, इसमें मुझको ही डर लग रहा है। ये सीधा व्यापक को ही छेड़ा हमने। हाँ नहीं, लैंग्वेज ठीक है, लैंग्वेज तो मैं गलती कर भी दिया तो चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो कॉन्सेप्ट में मेरे से गलती नहीं होना चाहिए बोलने में। हाँ जी, और कुछ? हाँ, यही ईश्वर है। ईश्वर इसलिए बोला कि जैसा ये पूरा जो चीजें है, जैसा चारों अवस्थाएं, उसमें से धरती पे फैला हुआ इतना खूबसूरत संसार है ना, मतलब नदी नाले समुद्र आकाश पेड़ पौधे पशु पक्षी, इतना सुंदर। हम जाते सीन सीनरी देखने, कश्मीर जाते, स्विट्जरलैंड जाते, पशु पक्षियों से हमारा संबंध, मानव के साथ हमारा संबंध, परिवार, ये सब जो खूबसूरती है चारों अवस्थाओं की, है ना। हर अवस्था अपने आप में पूर्ण है, हर अवस्था अपने आप में व्यवस्था में है। तो हमको सोना भी हम क्यों निकालते, उसका भी एक कुछ खूबसूरती है, डायमंड है या जो भी है, उसमें से हम ज्वेलरी बनाते हैं। जड़ की भी अगर बात की है तो पहाड़ भी सिर्फ देखे, लद्दाख में ऐसे पहाड़ है जिसमें कुछ भी वेजिटेशन नहीं है, सिर्फ मतलब काले पहाड़, पर्पल पहाड़, अलग अलग कलर के पहाड़ है सिर्फ, पर उसमें भी खूबसूरती है, बहुत अच्छा अच्छा लगने वाला पार्ट तो है ही। तो ये तरह तरह के पहाड़, बर्फ, ये जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे फूल, हम लोग, ये सब जो इसको ऐश्वर्य कह रहे हैं, ये पूरा धरती पे फैला हुआ, प्रकृति में फैला हुआ जो ऐश्वर्य है, ये सब ऐश्वर्य उस ऊर्जा स्वरूप व्यापक में ऊर्जित रहने से ये पूरा ऐश्वर्य फैला हुआ है, इसीलिए उस व्यापक को एक नाम ईश्वर दिया है, ऐसा कह रहे हैं। नाम है वो, जैसे उसके ये नाम है तो ईश्वर क्यों बोला, तो ये सबको ऐश्वर्य बोला। और वो ऐश्वर्य किसकी वजह से भी नहीं बोल सकते ये। हाँ, इसमें होने से, व्यापक में होने मात्र से सारी इकाइयां ऊर्जित है और अपनी अपनी पात्रता के अनुसार व्यक्त है। कोई पहाड़ के रूप में व्यक्त है, कोई हरिण के रूप में व्यक्त है, तो कोई सुंदर फूल के रूप में व्यक्त है, और कोई मानव के रूप में व्यक्त है। तो उसको ऐश्वर्य बोला और इसीलिए वो ईश्वर है। जी जी जी, तो ये पूरी बारात है, हम उसमें शामिल है ही, उसमें हम शामिल है ही, बस उसको पहचानने की जरूरत है कि ये बारात है, ये बहुत खूबसूरत है, ये सब उत्सव पूर्ण है। अभी हमको जो लगता है कि दुखी दुख है, तो दुख है नहीं, है ना, उत्सव चल रहा है, उत्सव की हमको पहचान नहीं है। तो उत्सव देखना, देखने की दृष्टि हमारी बन जाए, उसके लिए अध्ययन है, उसके लिए नियम है। तो वो नियम पता चल जाए तो हमको हमारी दृष्टि बदलेगी, और वो दृष्टि हमारी उत्सव देखने की दृष्टि बन गई तो हम हमेशा उत्सवित रहेंगे। पार्टी करने की अलग से जरूरत नहीं रहेगी, रोज ही पार्टी रहेगी, कंटिन्यूस पार्टी रहेगी, वो है ना, ऐसा बोल रहे हैं उसको। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं जैसे कोई बारात जाती है तो उसमें दो तरह के लोग डांस करते हैं। एक तरह के लोग जो डांस करते हैं वो नशे में रहते हैं, उनको पता नहीं रहता कि कहाँ किस तरह से डांस करते हैं जी। और उनका देख रेख करने वाले कुछ सचेतन लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी रहते हैं। अच्छा। जो कि ट्रैफिक को भी गाइड करते हैं, पाथ पैसेज देते हैं, और जो आउट ऑफ कंट्रोल है उनका भी केयर करते हैं जो कंशियस में है जी। तो अभी हम लोग जो प्रकृति के बारात की बात हो रही है, इस बारात में भी हम जो भ्रमित मानव है वो जस्ट लाइक
नौसड़ी डांसर और जो जागृत मानव है वो सचेतन है, जो नौसड़ी है उनको गाइड करने वाले, सद्बुद्धि देने वाले। तो बरात तो है ही है, जी जी जी। नृत्य है ही है, लेकिन कैटेगरी को आइडेंटिफाई करके उसको सुधारने की प्रयत्न की आवश्यकता है। जी बहुत बढ़िया। और क्या हुआ आज? नाम है जी, इसमें कोई क्रिया नहीं होती। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड ऐसे कहा जाता है, तो यानी ब्रह्मांड में जो पंच तत्व है ना, फाइव एलिमेंट्स, वही हमारे बॉडी में है, इसलिए हम उनसे समरूप है या एक रूप हो सकते हैं। दैट इज अ फाइनल डेस्टिनेशन। ऐसा यहाँ नहीं बोल रहे? नहीं सर, बोले थे ना, नहीं सर ये बोले कि जो ये जो चार अवस्था है वही उससे ही ब्रह्मांड बना है पूरा। हाँ, तो वो उसमें भी ये सारे तत्व है ना, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पदार्थ में आ गया वो सब, एक ही अवस्था में आ गया। हाँ, जो वो व्यापक का ही रूप हुआ ना? नहीं, वो यूनिट्स व्यापक का ही अंश है। नहीं, एक यूनिट है और एक व्यापक है, दो वास्तविकताएं है अस्तित्व में। हाँ। एक यूनिट है और एक व्यापक है। आप जो कह रही है उसमें, मतलब जितना मेरे को पता है उसमें, ऐसा बोला है कि वो पंच तत्व से ही सारा ब्रह्मांड बना है। यहाँ ऐसा नहीं कह रहे। इसलिए इसको एक नाम विकल्प भी है इस दर्शन को, इसको बोल रहे कि ये ऑल्टरनेट है। मतलब अभी तक जो साइंस ने नहीं बोला या अभी तक जो अध्यात्म ने नहीं बोला वो बात रख रहे है। तो इसमें ये नहीं बोल रहे कि वो पंच तत्व से सारा संसार बना है, इसमें ये बोल रहे कि एक यूनिट है, परमाणु है और एक व्यापक है, दोनों का सहअस्तित्व, मतलब दोनों की संपृक्तता, उससे ये सहअस्तित्व बना है, ऐसा बोल रहे। अभी जैसा आप क्या बोलेंगे, वेस्टर्न फिलोसॉफी अगर पढ़ेंगे तो उसमें जैसा प्लेटो है या उसके पहले के थेल्स वगैरह, उन्होंने और कुछ बोला है। किसी ने बोला कि पानी से ही सब कुछ बन गया, किसी ने बोला कि आग से ही सब कुछ बन गया है। तो ये अलग अलग परंपराओं में और अलग अलग जगह में लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना रिसर्च या अनुसंधान करने की कोशिश की है, पर इसमें ये कह रहे हैं कि ये संपृक्तता है और इकाइया और व्यापक दो चीजें हैं, और दो चीजें है ही, उसका प्रकटन है। दूसरा मुझे पूछना था, जो सह अस्तित्ववाद है ना, जैसे कोएग्जिस्टेंस, तो जैसे नेचर में वो नेचुरल सिस्टम के तौर पर हो रहा है, वैसा ही अगर ह्यूमंस में पूरक और उपयोगी ये दो यूनिट्स में अगर होता है, यूनिट्स नहीं बोल सकते, दो डिपार्टमेंट अलग है ना, तो उनमें अगर होता है तो वो भी मटेरियलाइज हो जाएगा सह अस्तित्ववाद। हाँ हाँ, मनुष्य अगर पूरकता और उपयोगिता में आ जाए, ये उसका आचरण निश्चित हो जाए। हाँ। बाकी तीनों अवस्थाओं का आचरण निश्चित है, निश्चित है। मनुष्य का हो जाए तो मनुष्य भी हमेशा पूरकता और उपयोगिता में ही जिएगा, तो सह अस्तित्व प्रमाणित हो जाएगा, प्रमाणित हो सकता है जी। जो पंच महाभूत की बात है वो एक्चुअली हमारा ग्रस बॉडी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, उसका मेरे को पता नहीं। पंच महाभूत के सिंपल चीज है, कॉमन सेंस से ही हम समझ सकते हैं कि पंच महाभूत का शरीर हमारा फिजिकल बॉडी के लिए लागू हो सकता है जी। लेकिन जो चैतन्य सत्ता है उसके लिए पंच महाभूत के अंदर में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ये ज्यादा अप्रोप्रिएट थ्योरी लगती है। बिल्कुल, पंच महाभूत भी क्यों, फिर सात महाभूत भी, किसी ने तो बोला सिर्फ एक से ही हो गया है, आग से ही हो गया है, पानी से ही हो गया है, तो वो पूरा का थ्योरी एक्सप्लेन नहीं। इसमें कह रहे कि दो वास्तविकता है, दोनों का सहअस्तित्व है और सहअस्तित्व का प्रकटन चारों अवस्थाओं में है, तीन अवस्थाएं अपने निश्चित आचरण में है, चौथी अवस्था में निश्चित आचरण की प्यास है, वो अपने निश्चित आचरण के लिए प्रयत्नशील है, एक दिन वो भी निश्चित आचरण में आ जाएगा। इसलिए एक सूत्र है कि अस्तित्व स्थिर है और जागृति निश्चित है। अस्तित्व जैसा है वैसा है, वो स्थिर है, वो पहले से ही है, इकाई और व्यापक पहले से ही है, दोनों संपृक्तता में है ही, और जागृति निश्चित ही है क्योंकि ये सब क्रम से ही हो रहा है, ऐसा यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं। मतलब चार लाइन में अगर बोला जाए तो
अस्तित्व सह अस्तित्व है, वो नित्य वर्तमान है। नित्य वर्तमान है मतलब कंटिन्यूसली है ही है। धरती पर चारों अवस्थाओं में प्रकट है। तीन अवस्था मानव को छोड़कर तीन अवस्थाएं निश्चित अपने निश्चित आचरण में है। मानव में निश्चित आचरण की प्यास है, ये फ्रेमवर्क है। ये निश्चित आचरण पहले था सही, अभी डेविएट हुआ है। किसका? मनुष्य का जो निश्चित आचरण हम कह रहे हैं अभी, ये जो निश्चित की परिभाषा है, ये क्या पहले ठीक था, अभी डिग्रेड हो चुका है या इवोल्यूशन फेज में है, अपग्रेड होने की बाकी है? आप बताइए। पहले जैसा मनुष्य था, हाँ, उससे आज बेहतर लग रहा है कि आज डिग्रेडेड लग रहा? एक तरह से तो यही लग रहा है कि हम एवोल्यूशन फेज में, डेवलपमेंट की ओर, डेवलपमेंट की ओर। दूसरे तरह से अगर, क्योंकि हम पूर्णता, क्योंकि हम पूर्णता से उर्जित है, तो हमारा बड़े कैनवस पे अगर देखेंगे तो पूर्णता की ओर ही गति है। सभी इकाइयों की गति व्यवस्था के लिए ही है, पूर्णता के लिए ही है। तो ये जागृति निश्चित ही है। इसमें जो हम सोचते हैं कि नहीं आज बहुत खराब हो गया, पहले का अगर देखेंगे तो दोनों एग्जांपल्स मिलेंगे परंपरा में। पहले तो लोग घोड़े पे निकल के वॉर करने निकल जाते थे ना सुबह से, दूसरा कोई काम ही नहीं करते थे। पर आप बाकी भी पूरा देखोगे इवोल्यूशन प्रोसेस, तो मेडिकल साइंस है। अभी जैसा महिलाओं पे पहला घर घर में जैसा अत्याचार होता था, अभी कहाँ होता इतना? अभी हमारा और हमारे बच्चों से जो व्यवहार है, और हमारा हमारे पिताजी से जो व्यवहार था, या उनके पिताजी से जैसा व्यवहार था, बहुत फर्क है। स्कूल में भी आप देखेंगे। लेकिन सामाजिक स्थिति तो पहले आज से बेहतर था ना, सोशल वैल्यूज। कैसा बोलेंगे ऐसा? अभी वो भी अगर देखेंगे महाभारत और इसमें जो घटनाएं है, उससे तो बेहतर ही है आज। अभी कहाँ एक लड़की की पांच लड़कों से शादी लगाते, मुश्किल है, लॉज आ गए, है ना। एक ये तो हम तो बेहतर की तरफ ही जा रहे, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम ढूंढ सकते और बेहतर की तरफ ही है मुझे लगता है। और वो उसको डिजाइन ही वैसा है तो वो बेहतर होते ही जाएगा। हमने थोड़ा बहुत सोच के मान लिया है कि सब कुछ खराब है और सब खत्म होने वाला है, पर ऐसा नहीं है, अच्छा ही होगा। ये थोड़ा बहुत अभी जो हम अपने इन्फेंसी में, मानव सबसे लेट आया इस धरती पर। जैसा अगर टाइमलाइन अगर देखेंगे तो एक महीने का अगर टाइमलाइन पकड़े अगर अस्तित्व का, तो मानव को आके कुछ घंटे हुए है सिर्फ, है ना। जैसा गैस ऑक्सीजन ही कितना लेट आया, पहले तो हीलियम था सिर्फ, फिर ऑक्सीजन आया, फिर वो ये बने क्या बोलते सब, पानी बना, प्राण बना, ये बना मानव। अभी 400 करोड़ साल, 600 करोड़ साल जो भी है, मानव को आके तो बहुत कुछ घंटे हुए हैं। अब कुछ घंटे में वो एक्सप्लोर कर रहा, अभी कोयला निकाला, अभी सोना कर दिया 2-2 किलोमीटर नीचे, है ना। अभी वैसा अभी उसको समझेगा कि कार्बन और डायमंड का, सॉरी डायमंड और कोयले का एक ही है, कार्बन ही है वो। गले में कोयला भी पहने तो कोई फर्क नहीं पड़ा, समझेगा। अभी जैसा ये बच्चे समझ रहे, अभी हमारे पहले की जो जनरेशन थी, हमारे पिताजी की या मम्मी की, उनका पूरा लाइफ गया ये जड़ संसार का ही ये करने में, उपयोग करने में। जैसा है ना, उन्होंने फ्रिज खरीदा, टीवी खरीदा, गाड़ी यूज करके देखा। हमारे पास वो सब था ही हमारी जनरेशन में, मोस्ट ऑफ द जगह एक घर था, गाड़ी थी, मोस्ट ऑफ द जगह था ही। तो हमने दूसरा कुछ एक्सप्लोर किया, हमने दुनिया एक्सप्लोर की। फिर हम में से कुछ लोगों को लगा कि नहीं, ये झाड़ लगाना चाहिए, ये सब वहाँ तब कितना था, कम था ना, अभी बढ़ गया। अभी हमारे आगे की जो जनरेशन है, ये लोग बैठे, ऐसे कितने लोग ऐसे सभाओं में तब बैठते थे आज की जनरेशन, या मेरी जनरेशन में भी ये सब विचार तो थे ही नहीं। आज ये कितने 35 बच्चे हैं ये आज, और ऊपर 30 साल के नीचे के इस शिविर में। और ये अभी हम कल कैंप अनाउंस करने वाले, यूथ कैंप मार्च में, उसमें ऑलरेडी 20-22 बच्चों ने रजिस्टर कर लिया है। तो ये तो इवोल्यूशन प्रोसेस पूर्णता की ओर ही है, ये और जल्दी समझेंगे। तो हमारी पहले की पीढ़ी जड़ संसार के साथ जी, हमको थोड़ी मानसिक या चैतन्य संसार को समझने में हमारी जनरेशन जा रही है, समझ लीजिए। तो हमारी आगे की जनरेशन, वो चैतन्य को प्रमाणित करने में उनका समय लगेगा। तो ये 3-4-5-7 जनरेशन का काम है, नहीं क्या? हाँ,
तो मानव है ही संस्कार से समझने वाला ही है मानव, उसको संस्कारानुषंगी ही बोला है। मानव संस्कार विधि से ही आगे बढ़ता है, वंश विधि से आगे नहीं बढ़ता। मतलब वंश विधि से मानव शरीर आगे बढ़ता है, पर मानव का जो मानव जो संयुक्त रूप है शरीर और जीवन का, वो संस्कार विधि से ही आगे बढ़ता है, उसका इवोल्यूशन संस्कार विधि से ही है। तो ये सब संस्कार ही है। रुके, खाना खा लेते। आई थिंक आई होप थैंक यू।